ब्रह्म ज्ञानी हमारे गुण मिले ब्रह्म ज्ञानी पाई अमर निशानी पाई अमर निशानी गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे राग पलक गुरु हंसानी राग पलक गुरु हंसानी तीनी नाम निशानी तीनी नाम निशानी हंसा पहुँचे जल में कुंभ में जल में डामर नर पानी डामर नर पानी लो कुंभ जल मान समायो लो कुंभ जल मान समायो ये कब नहीं पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुषार्थ माना बी स्टिल नॉट डूइंग एनीथिंग। डूइंग पुरुषार्थ नहीं है भाई, कुछ करो कुछ करो, करना नहीं है पर करना बंद करना है। अकर्ता भाव ये है पुरुषार्थ, चिप रहना ये है पुरुषार्थ, नहीं आगे बढ़ो नहीं पीछे। पुरुषार्थ माना बी स्टिल, खड़ा हो जाओ ये है पुरुषार्थ। एज यू वर खड़ा हो जाओ एक जगह, ये है पुरुषार्थ। तुम कुछ भी करेगा तो मन से बन जाएगा, जीव बन जाएगा। जो कुछ नहीं करता ऐसा खड़ा है वो ईश्वर है।
तो भगवान है, भगवान क्या करता है, दृष्टा है, साक्षी है, देखने वाला है, करने वाला नहीं है। तो पुरुषार्थ भी करने का नहीं है, पुरुषार्थ माना ही बी स्टिल नो दैट आई एम दैट आई एम आत्मा। खाली जानो कि मैं आत्मा हूँ और खड़ा हो जाओ, शांत हो जाओ, मौन हो जाओ, कुछ भी करो नहीं आज से, करेगा फिर बढ़ेगा, करेगा तो मरेगा, करेगा तो जन्म मरण में आएगा, कुछ भी करना नहीं है। पुरुषार्थ यही है, आज से मौन हो जाओ, अंदर बैठ शांत, नो संकल्पा नो विकल्पा, काय का ख्याल, काय का सोच, काय की चिंता, ये ख्याल ही बंधन है, ख्याल में ही कर्म है, तुमने ख्याल किया कर्म बनाया, ऐसा नहीं शरीर से कर्म होता है, ख्याल करेगा कर्म बनाएगा, ख्याल भी नहीं करना है, ये है पुरुषार्थ, नहीं कर्म करना है, नहीं ख्याल करना है, नहीं संकल्प नहीं विकल्प, नहीं साधन नहीं यत्न, एफर्टलेस लैंड, दिस इज पाथलेस लैंड, नहीं पाथ है, नहीं चलना है, नहीं एफर्ट करना है, आत्मा को जानने के लिए कोई एफर्ट नहीं है, खाली निश्चय, आज ही निश्चय करो मैं शेर हूँ, मैं भगवान हूँ, बस गुरु के मुख से खाली निश्चय करने का है, करना कुछ नहीं है, आप ही होता है कि तुम करेगा, तुम कुछ भी नहीं करेगा, पुरुषार्थ भी तुम नहीं करना, खाली मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, आत्मा को निश्चय करो तो सारे का सारा ज्ञान अंदर तुम्हारे आ जाएगा आप ही, तुमको ज्ञान सुनना और सोचना भी नहीं पड़ेगा, भगवान तुम्हारे अंदर बैठ के तुमको ज्ञान सुनाता है, अंदर जाके तुम्हारे को ज्ञान में निष्ठा कराता है, स्मृति भी भगवान ही देता है, तुम्हारे अंदर जाके तुमको कुछ नहीं करना पड़ता, तुम खाली सरेंडर करो, सरेंडर एवरीथिंग अनटू मी, भगवान के आगे सरेंडर करो, मैं कुछ नहीं हूं, आज से भगवान है इधर, मैं ना, मैं नहीं, बाकी कर्म बड़म कुछ नहीं है, कर्म का इधर क्लास नहीं है, इधर ज्ञान का क्लास है, आत्म ज्ञान कि तू आत्मा है, उसमें कोई कर्म खाते में नहीं आएगा, नहीं तुमको अभी करने का है कुछ भी, अभी कौन सा साधन यत्न किया है जो तुमको थोड़ा सा भी फायदा अगर मिला है, इधर से समझो एक पैसा दो पैसा मिला होगा तो क्या कौन सा कर्म, उठना बैठना किया गया, लटकाया तो नहीं ऊपर अपने को, भाई मैं कर्म करता हूँ, मन को लटकाता हूँ, इंद्रियों को लटकाता हूँ, उल्टा तो नहीं खड़ा हो गया, नहीं पछताया, नहीं रोया, नहीं हंसा, कुछ नहीं किया, खाली ऐसा शांत में बैठ गया गुरु के सामने, बैठते बैठते भगवान बन गया सेकंड में, क्योंकि जग गया, जन्म से सोया हुआ था, गुरु ने आके जगाया, बस कुंजी खोली, ताला खोला, खजाना मिल गया, मैं करना क्या पड़ा, तुमको क्या करना पड़ता है, इधर आके कौन सा पुरुषार्थ तुमने किया, आता भी तुम्हारा पांव है, तुम तो नहीं आए, हमारा प्रेम तुमको लेके आता है, तुम तो आया भी नहीं है, बाकी कौन सा पुरुषार्थ किया बताओ, मिलता है गुरु से तो बोलता है अभी इससे भी ऊपर उठो, और भी एक मंजिल है जहाँ तुमको दुख को सुख जी भाव मर्यादा से भी ऊपर, लेकिन पहले इधर भी गुरु हम देखा है जो दुनिया में भी मर्यादा में नहीं रहता है ना, वो इधर भी नहीं रह सकता है, इधर भी भाग दौड़ करता है, भाग जाता है, इधर भी आके गुरु तुमको मर्यादा सिखाएगा, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई मर्यादा कर भी जा नहीं सकता है, क्योंकि मर्यादा के लिए अपने को मारना पड़ता है, मर्यादा मीन्स मर के जियो, मर के चलना पड़ता है, मर्यादा मीन्स अपने को जरूर मारेगा तभी दूसरा खुश होगा ना, तो वो भी ज्ञान में वो बेचारा सीखता है आके इधर, तो हमको मर के चलने का है, मर के चलने का है, गुरु उसको मरना सिखाता है, डाय बिफोर यू डाय, मर के और फिर जिंदा हो दुनिया में, आत्मा में जिंदा होके रहो, तो इधर ज्ञान के बाद ही कोई सच्ची मर्यादा कर सकता है, नहीं तो मर्यादा में भी कोई नहीं कर सकता, अभी हर एक जाके घर में मर्यादा करता है अभी, क्योंकि उधर भगवान का दीदार कर रहा है, नहीं तो कोई सास की सेवा नहीं करता है, ससुर की नहीं करता है, घर में नहीं, कोई किसको देखता भी नहीं, हरे को अपना सुख बहुत प्यारा लगता है, तो मर्यादा कर नहीं सकता है, कहते हैं लेकिन करता नहीं, लेकिन ज्ञान के बाद वो सच्ची मर्यादा करता है, कितना उसके अंदर प्रेम हो जाता है, परमात्मा वाला प्रेम, मर के चलता है, मैं मरूं तुम जियो, मैं मरूं तुम जियो, क्योंकि उसको असर नहीं होता है मरने का, उसको गुरु ने मरना सिखाया है।
नहीं तो कोई बेचारा अपना जीव भाव में संस्कार में अपना संस्कार अपना जीव भाव मर नहीं सकता है, दूसरे को मार के दुनिया में चलता है, बोलता है मर्यादा में चलता है। लेट नाइट आना, शराब पीना, देरी से आना, पार्टीज में इधर उधर भेदभाव, किसी को ज्यादा प्यार किसी को कम प्यार, अनेकों से जो है भूले हो जाती है, ठीक तरह से मर्यादा में भी नहीं रह सकता है। तो इधर आके मर्यादा से इसके साथ भी मैं नहीं रहता हूँ, घर में रहो ऐसे जैसे वन में रहा पड़ा। वानप्रस्थ 50 साल के बाद वानप्रस्थ रहने लेने का है, वन में प्रस्थ वन में जाने का है तुम सबको, हम तुमको निकालेगा अभी वन में। तो ऐसी घर को ही वन बना दियो, ऐसे वन में रहो जहाँ द्वैत लगे ही नहीं है, मेरा बेटा है ये बेटी है ये औरत है, कहाँ गई कितन गई कितने बजे गई, कपड़ा कौन सा पहना है, रवा ढका है कि नहीं ढका है, मेरे को पाँव पड़ा कि नहीं पड़ा, ऐसा तो नहीं किया, ये कौन सी ड्रेस पहना है, ये किधर गया, क्या करता है, कैसे चलता है, कैसे करता है, तेरा की तुम अभी आंख बंद करेगा तो तार भेजेगा क्या नर्क से और स्वर्ग से, भाई तुम सुधर के चलता है कि नहीं चलता है? अभी आंख बंद करो ना, पीछे के आंख बंद करेगा, वो आप ही चलता है, अपने अपने संस्कार स्वभाव से सब चलता रहेगा, तुम किसको सुधार सकता है क्या, तुम अपने को तो सुधारो, तुम्हारी जीवन चली गई सारी, अभी मौत का भी डंका बजने वाला है, अभी तक भी तुम नहीं सुधरा, दूसरे के लिए बोलते मैं सुधारू किसको, घर वाला कैसे सुधरे, घर वाले के साथ मैं कैसा रहूं, भगवान के साथ रहो बस, और किसी के साथ भी नहीं। एक शाम मत ही साथी भी सजन तू न बोल, तू ओम ओम बोल, एक भगवान ही तुम्हारा साथी है, कोई बाकी सजन तुम्हारा नहीं है, तुम ओम में रहो, ओम की शरण लियो, ओम की कृपा होएगी, ओम को प्यार करो, स्त्री बेटे को प्यार नहीं करो जितना ओम को प्यार करो, ओम तुम्हारे को इतना प्रिय लगे, 24 घंटा ओम के अर्थ में रहो, ऐसा नहीं बोलो काली ओम, ओम ओम का अर्थ क्या है, तुम तो स्त्री देखेगा तो ओम करेगा, नंग देखेगा ओम करेगा, पैसा देखेगा ओम करेगा, कोई चीज होगी ओम करेगा, मतलब क्या है ओम का, खाली बोलने का थोड़ी है ओम, मैं आत्मा हूँ सर्वत्र आत्मा, ये है ओम का मतलब। तो उसी मतलब में टिका रहो, अपने साथ रहो, अकेला रहो, किसी के साथ भी नहीं, चाहे घर में 1000 आदमी बैठा रहे, 100 आदमी बैठा रहे, तुम्हारा किसी से वास्ता ही नहीं, रास्ते से तुम जाता है 1000 आदमी तुम्हारे आमने सामने गुजरता है, तुम्हारा किसी से वास्ता है, ऐसे घर में भी रहो किसी से वास्ता नहीं, कोई तेरा नहीं है ना कोई तेरा नाम है किसी का, हर एक परमात्मा है खुद स्वतंत्र है आजाद है, सबको ऐसा आजाद करो जैसे हवा को आजाद किया, हवा कहाँ से भी आती है कहाँ से भी जाती है कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे तुम सबको जो है वो आजाद रखो तो वो तुमको आजाद रखेगा, तुम किसको बांधेगा वो तुमको बांधेगा, तुम बोलेगा तुम मेरा है बोलेगा तुम भी मेरा है, तुम बोलेगा तुम मेरा नहीं हो बोलेगा तुम भी मेरा नहीं हो, चलो अपना अपना रास्ता लियो, हर एक भगवान है, भगवान करके देखो सबको, भगवान मना आजाद, भगवान किसका गुलाम नहीं है, जो तुमने मेरे को पानी गिलास क्यों नहीं दिया, तुमने मेरे को खाना क्यों नहीं दिया टाइम पर, बस मैं नहीं खाऊंगा थाली ऐसा फेंकेगा, तुमने सब ने पाप कर्म किया है कि नहीं, सारी उम्र में थाली फेंका है कि नहीं, मैं कह रहा औरत को गुस्सा किया है कि नहीं, हाथ पांव चलाया है कि नहीं, धक्का मारा है कि नहीं, तो मर्यादा पुरुषोत्तम है एक भी नहीं, क्रोध किया मारा पीटा दबाया, खबरदार मैं कमाता हूँ तुम खाती है निकाल दूंगा मैं, के क्या समझती है मैं कुछ हूँ, मैं मिस्टर हूँ मैं सेठ हूँ, नौकरों को दबाया औरत को दबाया बच्चे को दबाया सबको दबाया, अभी तुमको सब दबाएगा बच्चा, इधर ही लड़ा जाना है सब किताब पूरा होगा, बच्चा बड़ा होगा ना तुमको डैडी यू आर फूल, तुम जाके ऊपर से धक्का देना अपने को, बोलेगा हाँ मैंने बच्चा पैदा किया आज मेरे को बोलता है फूल चुप करो मत करो तुम बेवकूफ है, अभी तो मैं अपघात करूंगा, बस ऐसा दिन आया बच्चा मेरे को बोलता है यू आर फूल, और आजकल का जमाना ऐसा है यात्री बोलेगा यू आर फूल,
इसके लिए चुप रहो, इज्जत अपनी रखो, शांत में रहो तो तुमको इज्जत देगा, नहीं तो बुढ़ा आश्रम में छोड़ के आएगा। चार पुलिस वाला लेके तुमको उठा के बुढ़ा आश्रम में लेके जाएगा, बोलेगा अभी हमको नहीं चाहिए जाति धर्म, जाके बुढ़ा आश्रम में रहो। तो इज्जत से रहना है तो मौन में, शांत में सबको आजादी दियो, किसी से भी बोलो नहीं, शांत रहो, खेल बच के देखो घर में, जो खेल होता है खेल होने दियो। तुम अनकंसर्न, अनअटैच, इनडिफरेंट, अनअफेक्टेड, डिसइंटरेस्टेड, ये तुम्हारा लक्षण होना चाहिए। यही है आत्मा कार्ड का लक्षण, ऐसे ही रहता है आत्मा कार्ड। ढूंढो घर में जो अच्छे में अच्छा हो, जहाँ कोई भी तुमको सताने नहीं आ रहा, यहाँ तो बगीचे में अपना कोना जाके ढूंढो, बगीचा पड़ा है बहुत मुफ्त का, घर में जगह नहीं हो वे। शास्त्र है कहाँ शिष्य है और अथवा कहाँ गुरु है और कहाँ मोक्ष है। बोलता है शिव रूप अर्थात कल्याण रूप उपाधि से रहित जो मैं हूँ, उस मेरे लिए उपदेश कहाँ है, क्योंकि उपदेश जो होता है अपने से भिन्न को होता है, सो अपने से भिन्न तो कोई भी नहीं है, इस वास्ते शास्त्र गुरु रूपी उपदेश कभी नहीं है और शिष्य भाव तथा गुरु भाव भी नहीं है, क्योंकि ये सभी भेद को लेकर के ही होते हैं। समझा? बोलता है अभी देखो, जब ये कोई भी बात करता है तो तुम उसके उस कॉन्शियसनेस में जाकर देखना, ये राजा जनक कहाँ से बोलता है, अपनी स्थिति से जहाँ से बोल रहा है, जहाँ ऊपर चढ़ गया है, पहले उसने गुरु और शिष्य नहीं बोला था, लेकिन अभी ऊपर आ गया है जहाँ एक ही केवल एक अपना स्वरूप शांत पद जहाँ पर हो गया, केवल एक, एक भी बोलना नहीं, केवल ये बोलता है उधर बोल। तो बोलता उधर जो ऐसा मैं शिव रूप हूँ आत्मा, अभी उपाधि उसमें बनती नहीं है, तो कौन गुरु कौन शिष्य? गुरु अगर जो जवाब दे नहीं तांगे जवाब दे वन जो भाई ऐसा सब कुछ मिल ही रहा, मिल गया जो था मिलना काम क्या बाकी रहा। जिस दिन तुम जवाब देगा भाई हमको सब कुछ मिल गया, तो समझो गुरु का काम भी पूरा हुआ, तुम्हारा काम भी पूरा हुआ। आज तुमको काम पूरा करके पीछे उठने का इधर, नहीं तो हम बंद के रखेगा तुमको इधर रस्सी में, भाई कौन सा काम बाकी रहा है वो आज पूरा करो, कौन सा बाकी है, अंदर में शंका है, कोई शिकायत है, कोई डाउट है, एनी डाउट, कोई भी सवाल हो वे आज ही पूछो, और आज ही मुक्त होके पीछे दरवाजे से निकलना। जैसे ये गुरु को आज जवाब देता है, भाई नहीं गुरु है नहीं कोई शिष्य है, उपदेश की भी मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे से जुदा नहीं हूँ जो मेरे को उपदेश करता है, मैं आत्मा हूँ तुम आत्मा है, उपदेश कौन करे और किसको करे, गुरु भी नहीं है कोई शिष्य भी नहीं है। जिसने आत्मा को जाना अभी उसके लिए गुरु क्या है शिष्य क्या है, गुरु को अपना आप समझेगा, बराबर गुरु के लिए इज्जत है रिगार्ड है, लेकिन वो मेरी आत्मा है, वो प्रिया में प्रिया जो आत्मा है वो हमारा गुरु है और हम भी वही है और सब कुछ वही है। राजा जनक पिछाड़ी को ऐसा ही बोलता है कि मुझ आत्मा में जो उपाधि रहत मैं आत्मा हूँ, जिसमें कोई उपाधि नहीं है, उधर अभी उपदेश भी कहाँ है, कौन उपदेश सुने, कोई आया इधर प्रवचन इधर होता है, हमने बोला प्रवचन कुछ नहीं है, प्रवचन माना पढ़ा हुआ वचन, प्रवचन माना पढ़ा हुआ वचन, प्रवचन नहीं है इधर, तो अनुभव का ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी, ये गत किसने जानी मिलने जानी। तो ये जो अनुभव का ज्ञान इधर से चलता है वो कोई प्रवचन नहीं है, भाई शास्त्र वेद पढ़ के भाई गुरु आया है फलानी बात पर आज बात करेगा, फलानी विषय पर आज बात करेगा, माना गुरु घर से पढ़ के, जैसे मास्टर प्रोफेसर है ना घर से पढ़ के पीछे आगे लेक्चर करता है कॉलेज, गुरु भी शास्त्र पढ़ के पीछे आगे लेक्चर करता है, इधर कोई शास्त्र का लेक्चर नहीं है, इधर जैसी जैसी तुम्हारी बीमारी तैसी दवाई है,
इधर कोई लेक्चर नहीं है, भाई उपदेश भी नहीं है। कौन उपदेश करे, किसको उपदेश करे? तू पहले से ही भगवान है तो भगवान को हम उपदेश करें? कौन सा उपदेश करें? अभी जिस दिन राजा जनक को ऐसा निश्चय हो गया कि मैं आत्मा हूँ, पक्क हो गया, तभी बोलता है अभी उपदेश कहाँ है, मेरे लिए अभी उपदेश भी नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। गुरु को आके बोलता है मैंने पक्क कर दिया, मैंने निश्चय कर दिया कि मैं भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अभी ब्रह्म को उपदेश कौन सा करेगा? गुरु। भोग प्रसाद पा लिया आज, भाई ठीक है अभी तुम भगवान है तो मेरा भी काम उतरा। तुम अगर भगवान नहीं बना हो तो आज पूछो तो तुम कैसे भगवान नहीं है? राजा जनक भगवान हो गए, अभी तुम कौन है? बाकी तुम कहाँ पहुंचा हुआ है? आत्मा में है कि अभी शरीर में है? अभी तुमको मान अपमान इच्छा वासना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ सताता है कि आत्मा में टिका हुआ है, पक्का है? कोई हालत ऐसी आती है, कोई शब्द कोई बोलता है, कोई दृश्य तुमने सुना देखा तो तुम घबरा तो नहीं जाता है? यहाँ भी पक्का है आत्मा में, जैसे कीला लगता है ना दीवार में, फिर उसको दस्ता मारता है, फिर उसको ये कीला मारता है, हथौड़ा मारता है, भाई जैसे पक्का हो जाए, पक्का हो जाए। ऐसा देखने में आता है, ऐसा ऐसा हिला के देखता है ना, पक्का हुआ, पक्का हुआ। ऐसे गुरु भी तुमको रोज ऐसा ऐसा हिला के देखेगा, भाई तुम पक्का है। परमात्मा से भी कोई ऐसी हालत आएगी, जिस बात में तुम कच्चा होएगा, जिस सब्जेक्ट में तुम कच्चा होएगा, वो बात सामने आएगी, भाई तुमने कौन सी पढ़ाई की है। जिस सब्जेक्ट में तुम फेल होएगा, उसी सब्जेक्ट में फिर तुम्हारा इम्तिहान होएगा। समझो तुम काम क्रोध में फेल है, इच्छा वासना में फेल है, तो वो सामने आएगी बात, भगवान देखेगा अभी भी फेल है, अभी पास हुआ, कल तो फेल हुआ, आज पास हुआ, कल पास हुआ। जब तक पास नहीं हुआ तो तुमको कॉलेज नहीं छोड़ने का, फिर पढ़ाई करने की है, फिर इम्तिहान देने का। तो इम्तिहान उस बात का होता है जिसमें तुम कच्चा है। अभी इधर पढ़ाई हो रही है, अभी इधर से तुम बैठ जाएगा और तुम्हारा इम्तिहान होएगा। किस बात में होएगा? जिस बात में तुम कच्चा है, भगवान देखेगा भाई बाकी इसने कौन सी पढ़ाई कम की है, किस सब्जेक्ट में तुम फेल है, वो इम्तिहान तुम्हारे पास लाएगा। क्रोध का सामने ऐसा सबब लाएगा तो देखूं तुमको क्रोध आता है। कोई तुम्हारी इच्छा के बगैर चलेगा, इच्छा के विरुद्ध चलेगा तो देखूं तुमको क्रोध आता है। सामने स्त्री आएगी पुरुष के, पुरुष के सामने स्त्री, स्त्री के सामने पुरुष आएगा, देखूं तुम काम में गिरता है, वासना में गिरता है, क्रोध का सबब सामने आएगा। लोभ का बहुत से व्यापारी तुम्हारे पास आएगा, ऐसा करो वैसा करो, ब्लैक मार्केट करो, ये करो, ठगी करो, चोरी करो, तुमको लाख रुपया मिलेगा, करोड़ रुपया मिलेगा। देखें तुम लोभ में आता है, गिरता है कि नहीं? भाई हाल तो काम करो, हाल तो पाप करो, देखा जाएगा। तुझे जेल मिलेगा ना, और क्या मिलेगा? जेल में भी जाऊंगा लेकिन करोड़ रुपया कमा के बेचेगा तो देखे जाऊं। ये हाथी, ये शेर, ये बगड़, ये चीता, ये लोभ के वश होके फंसता है। तुमने जू में कभी जाके देखा है? फेरोशियस जानवर, इतना इतना खौफनाक जानवर भी अंदर छिपके रखा है, उसमें केज में बंद करके रखा है उसने। क्यों? लोभ में आ गया। मच्छी भी लोभ में आ गई, हाथी भी आतन के काम में वश में आ गया, कोई कैसा किस बात में, बंदर भी चढ़े के उस लोभ में आ गया। सब जो फंसा उस उधर फंसा पड़ा है जू में, इतना जानवर मनुष्य ने उसको फंसाया, कैसे फंसाया? लोभ में। और तुम भी कैसे फंसता है? लोभ में। कोई न कोई कहा न कहा तुमको लोभ है, ये रिश्वत लेता है, ब्लैक मार्केट करता है, ये पाप पुण्य करता है, किसके लिए? बच्चे के लिए। लोभ तुम करेगा, नरक में तुम जाएगा, और बच्चे के लिए तुम पैसा रखे जाएगा, और बच्चा उसी पैसे से खड़ा होगा, क्योंकि बाप का पैसा मुफ्त में जो बच्चे को मिल जाएगा, बच्चा क्या करेगा? क्लब में, डांस में इधर उधर जाएगा, खराब होएगा, शराब पिएगा, मुफ्त में पैसा मिल गया। तो बाप अपने बेटे के लिए क्यों एक पैसा भी बचा के जाता है? हमको आज जवाब दियो, क्यों तुम अपने बच्चे के लिए एक पैसा भी छोड़ के जाता है? क्या उसकी प्रारब्ध नहीं है? लिव रिच डाई पुअर, रहो तो दुनिया में शाहूकार होके रहो, जितना है खर्चो खाओ,
जब तुम मरो तुम्हारे नाम पर एक पैसा भी नहीं होना चाहिए। तुम करता है पाप बच्चे के लिए, और बच्चा बड़ा होके क्या करेगा? हराम का पैसा जिसको मिलेगा वो हराम में ही जाएगा। इसका अच्छा है कि बच्चा खुद नौकरी करे, भले 200 कमाए, लेकिन बाप उसके लिए लाखों रुपए नहीं छोड़ देगा। तुम पाप करके ब्लैक करके लाखों रुपए कमाता है और फिर बच्चे के लिए छोड़ के जाता है। तो वासना जो किया, कर्म जो किया, पाप कर्म वो तुमने किया, सजा तुमको मिलेगी, नहीं कि बच्चे को। और बच्चे को ये सजा मिलेगी वो खराब होगा। तो तुमको शाहूकार बनने की जो लालसा है, शाहूकार बनने की जो इच्छा है, बहुत खुशी होती है, मेरे को लाख रुपए मिले, मेरे को करोड़ रुपए मिले, करेगा क्या? लाख करोड़ कमाएगा, भगवान को भी छोड़ के जाएगा माया में, फिर छोड़ के जाएगा पैसा इधर ही, पीढ़ी में भी तुमको पैसा काम में नहीं आएगा, मरने के टाइम भी काम में नहीं आएगा, अभी भी तुम्हारे काम में पैसा तो आता ही नहीं है। अभी कोई बीमारी लग जाए तो पैसा काम में आएगा, करोड़ रुपया तुमको है, अभी कोई खौफनाक बीमारी आके लगती है, डॉक्टर को करोड़ रुपया जाके दियो, उतारेगा? तो जब बीमारी में, बुढ़ापे में, मौत के टाइम भी पैसा काम में नहीं आता है, तो बाकी कब काम में आएगा? तुम पैसे का मजा कब लेगा? अभी तो कमाने में ही जवानी चली गई सारी, पीढ़ी आएगी बीमारी में बिस्तरे पर सोएगा तो डॉक्टर बोलेगा खाना भी नहीं खाओ, हवा भी नहीं खाओ, मर जाएगा, हाजमा भी कम हो गया, दांत भी निकल गया, आंख भी निकल गई, तुम क्या पैसा पीढ़ी में पैसा कौन सा यूज करेगा? तुम पीर मर्द होएगा, बेटा जो है वो पैसा लेके जाके ऐश करेगा, मरने के टाइम भी पैसा नहीं है, बाकी कभी तुम यूजफुल करेगा इस माया को? जो माया है यूजलेस, उसके पीछे जो तुम जा रहा है अभी तक माया में जाता है। सुबह से रात तक भाई ये ट्रेन की दर जाती है, फुल ट्रेन की दर जाती है, आदमी गिरता है, इतनी फुल ट्रेन की दर जाती है, फुल बस की दर जाती है माया के लिए। हम भाई माया में जाता है, पेट के लिए जाता है। क्या पेट तुम्हारा पूरा नहीं होता है? अभी तुमको लाख भी है, करोड़ भी है, आधा लाख है, किसको कितना है, किसको कितना है, तो अभी फुल नहीं है ना, इसराफ नहीं आता है ना। भाई हमारा घर का खर्चा कितना है? जितना खर्चा है उतनी कमाई है, फिर बाकी लोभ काहेगा? भाई काहे के लिए तुमको जास्ती चाहिए? क्या जितना तुमको मिलता है वो पूरा नहीं है? तुमको पूरा होएगा ही नहीं, क्योंकि लोभ के सामने कोई ना कोई सबब तुमको रोज मिलेगा, कोई ना कोई व्यापारी आएगा ऐसा करो, अरे मोटर का कारखाना बिक्री होता है लाख में, कल मैं 2 लाख दूंगा, आज तुम लाख में लियो, कल 2 लाख में बिक्री होगा, पीछे 1 लाख जो मिलेगा तुम करेगा किधर? ऐसी जो लॉटरी रोज लगाता है, माया में जाता है, करेगा किधर इतना पैसा? चाहिए क्या तुमको? चाहिए 2 रोटला और 6 फुट जमीन और 2 कपड़ा? मनुष्य की जरूरत क्या है? अगर उसको ऐसा शर्त नहीं है, शराब कबाब इधर उधर जाना आना, सिनेमा नाटक क्लब, ये शौक नहीं है, समझो, बाकी खर्चा कितना है? बाकी 2 रोटला खाता है ना, वो भगवान नहीं देता है? कुत्ते को देता है, शेर को देता है, बगड़ को देता है, भाई तुमको नहीं देगा? पक्षी को, पशुओं को देता है। तोता जो है सुबह सुबह में जाके बैठता है पेड़ पर, बड़ा बड़ा आम खा के, अच्छा आम खा के जूठा करके नीचे गिराता है, वो तुम 5 रुपए से लेके आते, पहले तोता खाता है पीछे तुम खाते है। पक्षी को देता है, पशुओं को देता है, भाई तुमको वो नहीं देगा? 2 रोटला जो तुम सारा दिन मगजमारी करता है माया के पीछे, ये मेजाला ही तुमने खराब कर दिया माया के पीछे। मुझे जवानी में बीमारी लग जाती है, ये हार्ट फेल्योर हो गया, इसको ऐसा हो गया, इसको ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि बहुत टेंशन, छोटी दिल इतनी 1000 ख्याल करेगा, रात को नींद नहीं करेगा, जाके बोलेगा अभी इसको देना है, इसको लेना है, इससे ये है, ये कर्ज है, ये फलाना है, ये उधर है, सारा दिन तुम्हारे मगज में ये बातें चलेंगी। ज्ञान कब सोचेगा, अपना उद्धार कब करेगा? पैसा तो कमाने में जवानी चली गई, अभी ज्ञान का टाइम कौन सा है? जवानी है कि पीढ़ी है कि मौत के टाइम ज्ञान सुनेगा? किस टाइम में ज्ञान सुनने का? तुमने पहले अपना उद्धार किया है या पहले माया मरने की टक्कर है? पहले अपना उद्धार आया था किस काम को? क्यों सोया चादर तान के, सुरत संभाल है गाफला, अपना रूप पहचान, पहले अपना रूप पहचाना है,
24 घंटा तुम माया का ख्याल करता है तो तुमको भगवान कैसे मिलेगा? यू कैन नॉट प्लीज टू मास्टर्स एट अ टाइम। तुम्हारा तो टू मास्टर्स है, एक माया एक भगवान। मैं भगवान को भी राजी करूंगा, माया को भी राजी करूंगा, दुनिया को भी राजी करूंगा, दुनिया में भी लोकारित करूंगा, साधन में सन्नमुख, पेंशन में पूरो। इधर आके बैठेगा तो भी सन्नमुख, भाई मैं साधु हूँ, मैं सत्संगी हूँ, पर दुनिया में भी पहला नंबर। कोई मरेगा तो तुम उधर बैठा होगा, कोई शादी होगी तुम पहले होगा, इसकी बर्बादी हुई तो तुम पहले जाके बर्बादी में बैठेगा। तो दुनिया में भी पूरा, भगवान के पास भी पूरा, सत्संग में भी पूरा, इधर भी पूरा। तो जहाँ माया है तब भगवान है ही नहीं। या भोग मिलेगा या भगवान, या पिड़ी या पुला। तुमको पुला खाने का है, मजा लेने का है, तो पिड़ी को छोड़ के जाओ। अगर पिड़ी जिसको चाहिए वो पुलाव को छोड़ता है। दुनिया का भोग पदार्थ सब विषय विकार, सब विश्व समान त्याग। राजा जनक को पहले पहले गुरु ने बोला ये सब विषय जो है, विकार जो है, विश्व समान त्याग। मन विश्व समझो उसको, ब्रह्मा से चीटी तक जो भी सब है, सो सब लोक जो है वो उसको, उसका सुख जो है वो विश्व समान त्याग करो। पहले तुमने विश्व समान समझा है, सारे भोगों को, सब पदार्थों को, दुनिया के सुखों को क्या समझा है? अभी तक सुख की इच्छा होती है कि नहीं? भाई दुनिया में कुछ तो सुख है। अभी बिल्डिंग ली हूँ, अभी पट ली हूँ, अभी इधर ली हूँ, अभी हवाई जहाज ली हूँ, अभी ये मोटर ली हूँ, अभी गाड़ी ली हूँ। सारा दिन पदार्थ में तुम्हारा ध्यान है कि भगवान में भी ध्यान है? अभी क्या कौन सी इच्छा है बाकी? क्या नहीं मिला है दुनिया में तुमको? जब भी तुम दौड़ता है माया में दौड़ता है, बाकी क्या चाहिए? स्टॉप कब होएगा? अबाउट टर्न कभी होएगा? मोटर बहुत आगे चली गई है, बहुत आगे चली गई है, वापस कब लौटेगी? वो जवान वाली गाल बुदान तो वापस कभी मोटर ना आई शाम थी गई था। एक दिन चार पहलवान थे, रक्षा में उसने जो है मिलिट्री के मैन थे, बहुत गमा लेते थे, यहाँ तक कि रक्षा का मतलब आधा दुश्मन ने जीत लिया था, आधा मुल्क तो अपने मुल्क का तो जीता, लेकिन आधा मुल्क पर दुश्मन का भी जीत लिया। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला अपना मुल्क तो वापस मिल गया, लेकिन आधा मुल्क दूसरा भी मिल गया है। बोला अभी इनको क्या इनाम दें, ऐसा कुछ इनाम दें ताकि ये तो खुश रहे जन्म में, लेकिन इनके जो आने वाले बच्चे हैं वो भी हमेशा खुश रहे। सोच के बोला अभी ऐसा करो, जैसे ही सूरज निकलता है सनराइज होता है, तुम दौड़ना चालू करना, लेकिन एक बात भीतर में जरूर पक्का रखना, तो जैसे ही सूरज डूबता है सनसेट होता है, तो तुमको जहां से तुम दौड़ना चालू करता है वहां तुमको वापस आने। बार बार राजा ने उनको, वजीर ने, सर ने उनको एक बात के लिए फिर उसको बोला, कितना भी दौड़ो वो जमीन तुमको फ्री मिलेगी, लेकिन एक बात जरूर याद रखना, तो जैसे ही सूरज डूबे सनसेट होए तो उसी जगह पर जहां से तुम्हें स्टार्ट होता है वहां तुम पहुंचना। सब ने बोला ठीक है, समझती है। सुबह को जैसे ही ऐसे सूरज निकला सनराइज हुआ और दौड़ना शुरू किया, और सबको अलग अलग डायरेक्शन में भेजा ताकि आपस में फिर झगड़ा न करे, किसी को ईस्ट में, किसी को वेस्ट में, किसी को नॉर्थ में, किसी को साउथ, सबको अपना डायरेक्शन में दौड़ा। लेकिन अंदर में ये मन का एक स्वभाव है पुराना, भीतर में लोभ आ जाएगा, भाई जितना दौड़ेंगे उतना जमीन पड़ी मिल जाएगी, जितना दौड़ेंगे और दौड़ो और दौड़ो और दौड़ो। एक आदमी ने देखा सुबह से 6 बजे से दौड़े हैं, अभी दिन का 3-4 बज गया है, अरे 6:30-6:00 तक तो ये सूरज डूब जाएगा, बाकी 2-3 घंटा बच गया और मैं आगे तो बहुत आ गया। थोड़ा अंदर में ख्याल आने लगा और घबराहट आने लगी, उधर जरूर पहुंचने का भी है। बोला अभी तेज दौड़े, जितना तेज, जितना ज्यादा तेज दौड़ा तो दिल की धड़कन जो है बढ़ती गई, चिंता चाल पहुंचने का है, उधर ही गिर गया और बेहोश होकर उधर ही और फेल हो गया। और 3 जो थे वो और आगे जा रहे थे, अभी तो टाइम बड़ा है और थोड़े। सांसारिक दौड़ का कोई अंत नहीं,
फ्री जमीन का ऑफर भी मिल गया, दौड़ भी लिए, लेकिन वापिस नहीं पहुंच पाए। ऐसे ऐसे वचन सुना के गुरु हमको सिर्फ एक निश्चय कराता है कि जितना भी भाग लोगे संसार में आखिर हासिल कुछ नहीं होगा, आखिर भी हैरानी हाथ आएगी, परेशानी हाथ आएगी और तुम सुकून नहीं पा सकोगे। हर एक का जो मोटिव है वो है पीस ऑफ माइंड, और पता नहीं क्यों हर कोई संसार में उसको ढूंढने के लिए दौड़ा जा रहा है। सबके माइंड में ये एक फीलिंग रहती है कि हम जाके संसार में ढूंढें, संसार की सेटिंग्स करें, उससे हमको शांति मिल जाएगी। शांति वहां पे है ही नहीं। आप करेले में मिठास खोज रहे हो, कैसे मिलेगी? मिर्ची में मिठास खोज रहे हो, कैसे मिलेगी? सोचने जैसी बात है। अब एक चीज जहां पे है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है उसका, और हम उसको ढूंढने के लिए मेहनत करते जा रहे हैं, कंटिन्यूस सोचते जा रहे हैं, विचारते जा रहे हैं, कल की सोच रहे हैं, परसों की सोच रहे हैं, इस चीज को ऐसे सेट करें, उस चीज को वैसे सेट करें। ये सब खेचल परेशानी बढ़ाने वाली है, ना कि ये खेचल आपको कोई रास्ता देने वाली है, ना सुकून देने वाली है। रास्ता भी आप जितना मर्जी खोज लो, हुक्म के आगे तो नहीं जा सकोगे। जो खेल बना हुआ है, हर एक को उस खेल को स्वीकार करना होगा। जैसा जैसा बना हुआ है वैसा वैसा उसको कबूल करना पड़ेगा। तो बिना मतलब दिमाग चलाने वाली बात हो गई। जिसको गुरु ने बोला मथनी तू जल में चला रहा और घी निकलने की आस है, भाई मथनी तुम चलाओ जल में और फिर सोचो हमको घी मिल जाए, घी तो नहीं निकलेगा उधर से। देखो तो सही ना, मथनी कहाँ चला रहे हो, मथनी चलानी कहाँ चाहिए और तुम कहाँ चला रहे हो। पानी में मथनी चला के कोई अगर घी की आशा करे तो उसको हम मूर्ख बोलेंगे कि भाई ये मूर्ख व्यक्ति है, मथनी जो है वो जल में चला रहा है, वहां से कुछ निकलेगा ही नहीं। इसी तरह से जब तुम संसार में सुख खोजते हो, ज्ञानियों को महापुरुषों को एक ताज्जुब लगता है। वो ये सोचते हैं कि ये क्यों ऐसी मूर्ता कर रहे हैं कि वहां से सुख ढूंढ रहे हैं जहां सुख है नहीं, वहां तलाश कर रहे हैं शांति की जहां है नहीं। लेकिन अपने आप को ये बात समझ आते हुए भी समझ नहीं आती है। इंसान का इच्छा का, लालच का, वासना का स्वभाव बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। कई बार कोई बढ़ता है ना इस मार्ग पर, फिर अंदर अंदर सोचते हैं हम इधर बढ़ जाएं आगे, फिर कहेंगे वाणी ऐसी वैराग की चलती है, दिमाग तो चलता ही है भाई हमारा, लगता है क्या करें,
उधर जाएं, इधर बढ़ जाएं, हम समझ जाते हैं ये व्यक्ति नहीं बढ़ेगा इधर, ये उधर ही जाएगा, क्योंकि निर्णय नहीं हो पा रहा, असमंजस है। असमंजस माना वासना हावी है, असमंजस माना संसारिक सुखों की चाहना है, और ये उसको घसीटेंगे। आप देखो, ज्ञान सुनने के बाद जिस जिस फील्ड में असमंजस रहता है, आखिर आपकी इच्छा का स्वभाव जीतता है। निश्चय होना जरूरी होता है, निश्चय है तो बेड़ा पार है, असमंजस है तो मन जीत के जाएगा, जरूर जीत के जाएगा। ये दोहरापन थोड़ी देर के लिए आता है, क्योंकि मनन की प्रक्रिया भी इतनी तो अच्छी नहीं है इंसान की कि उसको अंदर से वैराग की तरफ लेके जाए। बोला, एक तरफ जग एक तरफ हरी, मुझसे चुना नहीं जाता, बां पकड़ कोई मुजंदे को हरी की ओर झुकाए रे। लेकिन कोई कैसे झुका सकता है, झुकाना तो अपने को खुद होता है, हमको किस तरफ जाना है ये निर्णय हमारा होता है, ये डिसीजन हमारे को लेना होता है। कभी हम एक मजबूरी गिनवाते हैं, कभी हम दूसरी मजबूरी गिनवाते हैं। जब हम खुद अंदर से मजबूरियां मान के चल रहे हैं तो हम इस चीज को नहीं कह सकते कि हमारा अपना निर्णय भी मजबूत है। जिसको आगे बढ़ना होता है वो परिस्थितियों का विश्लेषण करने नहीं बैठता है, जिसको चलना है वो बहुत विचार नहीं करता है, वो आगे कदम बढ़ाता है और सोचता है पीछे होए सो होए। ठीक है भाई, जो होना है पीछे हो जाए, लेकिन मेरे को कदम आगे बढ़ाना है तो बढ़ाना है, मुझे बढ़ना है तो बढ़ना है। कितनी परिस्थितियों के ठीक होने की इंतजार की जा सकती है, कभी ये भी अपने अंदर सोच के देखो। हमारा मन सोचता रहता है ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये परिस्थिति ऐसे हो जाए, वो परिस्थिति ऐसे हो जाए, एंड तो कोई नहीं है। अगर देखा जाए एंड तो कोई नहीं है, जब चलना है तो आज ही चलो, आगे भगवान संभालेगा अपने आप। तुम्हें इतना सब दिमाग लगा के करना क्या है, सब परिस्थितियों को सालिम करते करते तेरा अंत समय आ जाएगा, सब परिस्थितियों को ठीक करने के चक्कर में तुम पूरे हो जाओगे, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा समय कहाँ चला गया। जो मन दिखाता है, मन को निश्चय काट सकता है, मन माना संशय और ज्ञान माना निश्चय। मन के जो भी भ्रम हैं, संशय हैं, इनको अपने ज्ञान के निश्चय द्वारा काटा जा सकता है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है इसको जीतने का, और कोई उपाय नहीं है। तुम संशय को निश्चय से जीतोगे पर पहले निश्चय होना भी तो चाहिए, निश्चय भी तो। अभी कभी हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, गाड़ी लेते हैं, घर लेते हैं, लोन लेते हैं, एक डाउन पेमेंट होती है, तो पहले डाउन पेमेंट देने के लिए हमारे पास कुछ होता है, बाकी का हमको लोन मिल जाता है, किस्त भर देते हैं। अपना निश्चय डाउन पेमेंट है,
फिर तो आगे चलते चलोगे, मदद गुरु की, प्रकृति की, सबकी मिलती रहेगी। लेकिन एक डाउन पेमेंट तो जरूरी चाहिए, निश्चय तो अपना चाहिए, हिम्मत तो अपनी चाहिए। हर समय मन की बातों को पकड़ के, मन के ख्यालों को पकड़ के, मन के चिंतन कर कर के हम वीक तो होते जा रहे हैं, लेकिन स्ट्रांगनेस की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? पावर की तरफ क्यों नहीं जा रहे? ताकत की तरफ क्यों नहीं जा रहे? कभी बैठ के ये भी अपने अंदर विचार करें कि हम क्यों मन की बातें सुन के कमजोर होके बैठ जाते हैं। जितना समझा है और समझ सकते हो, ऐसा नहीं ज्ञान भीतर नहीं गया, लेकिन प्रसंचित हृदय नहीं है जब तक, ज्ञान का रंग नहीं आ सकता है। सर्दियों में तुम रात को अगर चने राजमा कुछ भिगो तो थोड़े गर्म पानी में भिगोने पड़ते हैं, तब जाके सवेरे तक थोड़े गले हुए मिलेंगे। ठंडे पानी में अगर भिगो दिए तुमने, बनाने के टाइम देखोगे गल ही नहीं रहे। कुछ तो अपनी भी एनर्जी होती है, कुछ अपनी भी पावर होती है, कुछ अपने अंदर भी उमंग उत्साह तरंग कुछ होती है। हर समय डलनेस में रहना, वीकनेस में रहना, दुखी रहना, कमजोर रहना, ऐसे में ज्ञान कैसे लगेगा? एक तरफ अनुभव भी करते हो कि ईश्वर पे छोड़ते हैं तो ईश्वर अपने आप संभालता भी है, एक तरफ अनुभव भी होता है। दूसरी तरफ मन फिर कहीं ना कहीं खेचल में पड़ा भी रहता है, उलझता रहता है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये कैसे करें, वो कैसे करेंगे, वो भी घोड़े दौड़ते रहते हैं। अपने अनुभव को भी तुमने इतना नहीं दृढ़ किया, बार बार विचार किया कि वो तुम्हारा निश्चय बन जाता। अपने अनुभव को भी तो निश्चय बनाया जा सकता है, लेकिन विचार हम उतना करते ही नहीं। ठीक है, जरा सा अनुभव हुआ फिर छोड़ दिए हम, फिर अपनी माया में वापस, हम अपने विचार में वापस, हम अपने जगत में वापस। अब कहाँ तक कितना खेचलने सह लोगे? और मान लो प्रारब्ध ऐसी बनी पड़ी हो कि ये ऐसे ही चलना हो सब, तो फिर क्या ईश्वर को छोड़ोगे? फिर क्या अपना मार्ग बदलोगे? क्या करोगे? आखिर भी जिन परिस्थितियों में तुम बैठे हो, बढ़ना तुम्हें वहीं से, हिम्मत परमात्मा वहीं से देगा आगे चलने की, बशर्ते तुम्हारे अपने अंदर भी कोई शौक हो, जागृति हो, उत्साह हो, उमंग तरंग हो। इंसान जहां खुशी लेने आता है वहां भी खुश होके नहीं बैठता, पास्ट याद करेगा, बातें याद करेगा, दुख दर्द याद करेगा, पीड़ाएं याद करेगा, गुजरी हुई चीजें याद करेगा। अच्छा ठीक है, वो चला गया। अभी दादा भगवान ने सबको एक बात कही है, अ ब्रिलियंट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। इतनी सुंदर बात दादाजी ने सबको बता दी कि जब तुम सत्संग में आ गए, एक बहुत सुनहरी भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर सुनहरी भविष्य जो इंतजार कर रहा है, उसको पाने के लिए कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। बैठे ही रह जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? आगे बढ़ना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, चीजों को क्रॉस करना पड़ेगा।
और गुरुजी हमेशा कहते थे हंस कर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी, ज्यादा कुछ नहीं तो हंसकर ही सुलझ जाती हैं उलझने कई बार। तुम हंस के मुस्कुरा के आगे बढ़ो, अपने आप को स्ट्रांग करो। क्यों वीक होके बैठे हो, क्यों दिल को छोटा करते हो, क्यों घबराते हो, क्यों नहीं निश्चय करते हो? सबके साथ मुस्कुरा के रहो, हंसो, बोलो, बात करो, तो कुछ अपना पास्ट भूलेगा ना, नहीं तो ये सब अंदर याद आता रहेगा और ये दुखी करता रहेगा। जो प्रारब्ध है बनी हुई, इससे तो किसी की लड़ाई चल नहीं सकती है। प्रारब्ध से किसी की लड़ाई नहीं है, जो बनी हुई है, फिक्स है हुक्म भगवान का, सबको उसके साथ चलना ही होगा। आप चाह के भी बदल नहीं सकते, आप बहुत सोचने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। जैसा ये चल रहा है ऐसा चलेगा। उसके लिए हर एक को एक्सेप्टेंस पावर चाहिए होता है, एक्सेप्ट इट एज इट इज, और अपने मन को, जैसे बोला ना घोड़े को आदत डालो, रेट की ची ची चलती रहेगी, अपने घोड़े को आदत डालो पानी पीने की। आत्मज्ञान वो युक्ति है जिससे हम मन रूपी घोड़े को हर परिस्थिति में एडजस्ट होने की युक्ति देते हैं। एक युक्ति है ये। और जब थोड़ा सा जगत के चिंतन से बाहर आओगे तब तो ज्ञान का चिंतन मनन शुरू होगा। ज्ञान भी भीतर जा रहा है लेकिन रंग नहीं दिखा पा रहा है, असर नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि आप ज्ञान को खिलने की जगह नहीं दे रहे हो। इतना माया का व्यवहार, परपंच सब दिमाग में चलता रहता है, ज्ञान को भी तो खिलने की जगह चाहिए। कई बार तो सत्संग में बैठे बैठे ही मन बहुत से वचनों को काटता रहता है, अस्वीकार करता रहता है, मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं, मेरे हालात ऐसे नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसे नहीं चल सकता। क्योंकि अक्सर करके देखा है सब लोग ज्ञान का शब्द पकड़ते हैं, इशारा नहीं कैच करते। जो कहा जाता है उस बात को नहीं पकड़ते, जहां से कहा जा रहा है वो नहीं पकड़ते। क्या पकड़ते हैं? शब्द पकड़ लिया। अब शब्द तो तुमने पकड़ लिया, लेकिन अगर तुम मर्म समझने लगो तो तुम्हारे जीवन में भी वो उतरती है बात। एक आदत हो जाती है शब्द से खेलने की। जो व्यक्ति शब्द से खेलता है वो मर्म तक कभी नहीं पहुंचता है। शब्द से खेलने वाला व्यक्ति कभी भी गुरु की बात के मर्म को नहीं समझ पाएगा। क्या कहा जा रहा है, कहां से कहा जा रहा है, उसने तो शब्द पकड़ लिया एक और कुछ भी नहीं किया। हैरानी लगती है, शब्द पकड़ा, शब्द की सफाई देनी है और कैच ना तब हुआ ना तब हुआ। अभी उस दिन ही बात चली ना उसकी, भाई प्रकृति जख मार के ले गई, इतना सारा समझाया, कल फिर चिट्ठी आ गई, आपने उस दिन कहा था मैंने वहां से शब्द पकड़ लिया। समझ उस दिन भी कुछ ना आया, समझ उस दिन भी कुछ ना आया।
बुद्धि की जड़ता है, मनन करने का स्वभाव ही नहीं है। नेचर तो यही नहीं कि कुछ समझना भी है, सुन लेना है, कॉपी में काला अक्षर लिख लेने हैं, लेक्चर कर आना है, काम हो गया, बड़ी अच्छी जिंदगी चल रही है। लेकिन बड़ी दुख की बात है, क्या समझाया जा रहा है और सिर्फ एक दलील दे के अपने को बताना है आई एम राइट, मैं ठीक हूं, शब्द तो मैंने वहां से पकड़ा था, उनको समझ आ गया किसी महफिल में बैठने योग्य नहीं हूं। ये शब्द तो कभी कभी भाई कुछ भी निकल जाता है, तुम तो अपने ही अर्थ बना के और इस्तेमाल करोगे उन शब्दों को, समझ तो कुछ आएगा नहीं। बात क्या कही जा रही है, क्या अनुभव होना चाहिए। कभी कभी ज्ञानी तो अपने अनुभव से भी बात बोल देता है कोई, लेकिन हमको तो समझ होनी चाहिए कि हमें लागू होती है नहीं होती है, विचार है नहीं है, हमने अपनी क्लैरिटी देनी है। क्योंकि सिद्ध करना है मैं ठीक हूं, आई एम राइट, गुरु को समझना चाहिए आई एम राइट, वो गलत है, मैं तो ठीक हूं, मैंने तो शब्द वहां से लिया, मैंने तो बात वहां से पकड़ी, आपने कहा था, हम तो बहुत कुछ बोलते हैं, तुम हो गए, तुम्हारी स्थिति हो गई, तुम्हारा निश्चय हो गया। कई जगह तो मनन से अपने ऊपर शर्मिंदगी होगी कि हमको ये बात अपने साथ लागू करनी नहीं है। बोलने को तो भगवान हम लोगों को भी बोलते थे, इतने शहरों में सत्संग करता है, बहुत अच्छा लेक्चर करता है, पर हम लोग तो शर्मिंदा होके मरते थे अंदर, हमारी औकात ही कुछ नहीं। आप बुलवाते हो तो कार्य हो रहे हैं, आपकी वाणी आपका प्रसाद दिया जा रहा है, अपने आप को नहीं पता होता हम क्या हैं, हम कहाँ खड़े हैं, हमारा क्या स्टेटस है, हमारी क्या स्थिति है, अपने आप को कुछ नहीं पता होता। शब्द पकड़ा, शब्द इस्तेमाल कर दिया, शब्द लिख दिया, क्या चल रहा है, ये शब्द का खेल चल रहा है, शब्द का मर्म अंदर कोई भी नहीं उतर रहा। इतने साल बैठने के बाद अगर शब्द पे ही झगड़ा चल रहा है, स्थिति तो शून्य है, शब्द पे रगड़ा झगड़ा कैसे चल सकता है। जहां से भी पकड़ा, जहां से भी नहीं पकड़ा, मैंने गलत पकड़ा था, मैं आज उसको ठीक करने में लगूं, मर्म समझूं बात का, तो मैंने तभी बोला जब शब्द से खेलने की आदत है। मर्म तक इंसान कभी नहीं पहुंचता, मर्म समझ में नहीं आता, ऐसे व्यक्ति की जड़ता नहीं जाती। वो सोचता है एक जगह से माल लेना है, दूसरी जगह सप्लाई करना है। कई होते हैं ना व्यापारी ऐसे, ना उनकी मैन्युफैक्चरिंग है ना कुछ है, हम सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। क्या करते हैं, इधर से माल उठाया इधर दे दिया, सत्संग से शब्द सुने, रोज सेंटेंस 8-10 अपनी कॉपी में लिख लिए, कहीं मौका मिला जाके उनको बोल दिया। अपने लिए कुछ है नहीं, अपना अंदर वाला वहीं का वहीं, शून्य बटा सन्नाटा, 0/∞, अपना अंदर वाला वहीं खड़ा है, अपना विचार कुछ नहीं है, अपने लिए कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। चाहिए तो कभी कभी कोई बात होती है तो इंसान पकड़ा जाता है, अदरवाइज पता नहीं अंदर कितनी भ्रांतियां, कितना गलत ज्ञान, कितनी संशय बुद्धि, कितने बंध ज्ञानी की लक्षणा, पता नहीं क्या पड़ा होगा, ये भी सोचने जैसा है। ऑल ऑफ अ सडन कभी बात होती है तो बाहर आ जाती है बात, अंदर कौन से कुत्ते बिल्ले मरे होंगे ये भी देखने जैसा है। क्यों, पहले हम कैच नहीं करते, जब हमें कुछ समझाया जाए तो भी हमारा मन अंदर से अपनी दलीलें देने में लगा होता, हम सच भूल ही गए बताना, बड़ा अफसोस है।
कि हम उस समय ऑन द स्पॉट अपने को सही सिद्ध नहीं कर पाए। तुम सही सिद्ध करने आए हो, गुरु को गलत सिद्ध करने आए हो, करने क्या आए हो, बैठे क्यों? तुम इतने ही सही हो तो चलो अपना। अभी आज तो बात चली, जनक ने बोला अब उपदेश भी किसके लिए। एक जो आत्मज्ञान से कृतकृत्य हो गया, पूर्ण हो गया, वो भी किसका उपदेश सुने। और एक जिसको अंदर इतना ही यकीन है कि वो हमेशा ही ठीक है, वो भी क्या उपदेश सुने। चले अपना, दोनों चले, दोनों का ही स्थान नहीं। पूर्ण पुरुष तो बैठ के क्या करें, अब वो औरों के काम आएगा उसका जीवन। लेकिन जो गुरु के सामने भी अपने को ठीक मानता है, उसका भी कोई स्थान नहीं है यहां पे। गलती ना होते हुए भी या गलती समझ ना आते हुए भी गुरु गलती बताए तो तरीका ये होता है कि हम हां जी यहां करें और मनन करें, विचार करें, कहां से बात कही है और मुझे अपने को क्या समझाना है, मेरे को क्या कैच करना है। अगर हम गुरु को ही ये सिद्ध करते हैं, क्यों आदत है ना बहस करने की, हर एक से आदत है, कोई भी कुछ कह दे तो पूरा बहस कर करके जवाब दे दे के अपने को हारने नहीं देना, तो स्वभाव गुरु के लिए भी निकलता है। तो वहां से आया ये स्वभाव, तो ये सुनने के कान है ही नहीं, रिसीविंग माइंड बिल्कुल ब्लॉक है, बंद है, सारी नसें बंद है रिसीविंग माइंड की, सिर्फ एक ही फ्लो है बोलने का, बोलने का, बोलने का, अपने को सही सिद्ध करने का, कुछ हो नहीं सकता। ऐसे में टाइम वेस्ट है सिर्फ, ये जाके उल्टा कुछ देख लो, अपना जीवन सफल करो कहीं तो, या नहीं तो माया में करो, कुछ तो करो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहां बैठ के, बेकार है। यहां अहम बुद्धि गवाए बिना शुरुआत ही नहीं होती, और सालों से अहम बुद्धि ट्रेवल कर रही है। पहले दिन भी मैं ठीक, अनुभव सुनाते हो सबको, मैं तो पहले दिन भी ऐसे आया था, सिखाने आया था, समझाने आया था, झगड़ा करने आया था, बताने आया था, आज दिन तक वहीं के वहीं। सोच के देखो, लोग उन्नति करते हैं, उस दिन पे भी शर्मिंदा होते हैं, मैं कैसे अहंकार से भरा आया, आई एम राइट की भावना लेके आया, लेकिन आज तक अंदर वाला बड़ा खुश है कि मैं तो अपने को सही सिद्ध कर देता हूं, कोई भी हो चाहे आगे, मैं अपना बोल बोल के अपने को सिद्ध करके ही रहता हूं। हां जी हां करना, किसी के आगे भी चुप लगाना, अपने आप को भी नथिंग कर देना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसे में ज्ञान भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये जो अंदर वाला साथ साथ बोलता है, बात को काटता है, इसको वहीं से आपको ठीक करना पड़ेगा। ये मन को सुनने की जो आदत है, ये आपको प्रसन्न नहीं होने दे रही है। मन को सुनने की जो आदत है, वो आपको रिलैक्स नहीं होने दे रही है। मन को सुनने की जो आदत है, वो आपका दुख बना हुआ है। इसको सुनना बंद करो, परिस्थितियों का रोना रोना बंद करो। सारा समय हम हालतों का रोना क्यों रोते रहते हैं? और इतना कुछ खराब भी नहीं है, बहुत कुछ अच्छा भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम खराब है, बहुत कुछ अच्छा भी है। अपने आप को एक्टिव, एनर्जेटिक, हैप्पी जब रखोगे तो ये पावर्स बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेंगी। बड़ी अच्छी बात कल एक थी, बोला कि देखो
अगर कोई व्यक्ति हमेशा ब्लैक शर्ट पहनता है, देख कई लोगों को शौक होता है ना, मान लो हम उनको देखते हैं भाई ये काला कपड़ा ही पहनते हैं, कोई वाइट ही पहनता है, तो जब हमको उसके लिए कोई गिफ्ट लेना होता है तो हम क्या सोचते हैं, ये तो ब्लैक ही पहनेगा, ब्लैक शर्ट चूज करो। या कोई केवल वाइट ही पहनता है, भाई इसके लिए वाइट चूज करो, तो वाइट ही पहनता है। बोला प्रकृति भी जब देखती है तुम दुखी रहते हो, दुखी चुनते हो, तो तुम्हें गिफ्ट भी वही देती है। दुख और आते हैं और आते हैं, हालते हैं और आते हैं, और जब तुम चुनते हो प्रसन्नता, खुशी, आनंद, तो प्रकृति को लगता है इसको गिफ्ट यही देना चाहिए। होता नहीं है, अब किसी काम को पता होता है प्योर कॉटन ही पहनता है, कॉटन ही लेते हैं उसके लिए। किसी का पता होता है भाई ये सेमी की चीज नहीं पहनता, प्योर ही पहनता है, उसके लिए प्योर लेते हैं, नहीं लेते। जैसी चीज कोई यूज करता है हम गिफ्ट देने के लिए वैसे ही लेते हैं ना, तो प्रकृति और परमात्मा तुम्हें क्या देंगे, सोच के देखो। अब तुम दुख चुनते हो, भगवान को लगता है अच्छा इसको दुख की आदत है, दुख दे भाई, ये दुख से खुश होता है, और दो और दो और दो। किसी को देखता है भाई इसको तो प्रसन्नता प्यारी है, खुश रहना प्यारा है, पर वो गिफ्ट देता है। ये तो दुनियावी व्यवहार है, भगवान को क्या दोष देते हो, दुनियावी व्यवहार है कि जो व्यक्ति जो चीज इस्तेमाल करता है उसको वही दे दी जाती है, जो व्यक्ति जो चीज वर्तता है उसको वही दे देते हैं। बल्कि गिफ्ट लेना हो पहले सोचते हैं उसकी क्या चीज काम आएगी, उसको क्या पसंद है, क्या खाएगा वो। एक फल भी लेके जाना हो तो सोचते हैं क्या लेके जाएं, देखते हो भतीजा भतीजा होता है घर में छोटा, अरे वो तो केले शौक से खाता है, चाहे आम की पेटी ले जाओ पर दर्जन केले जरूर ले जाओगे साथ, कि वो तो केले खाएगा। पता होता है नहीं होता, किसी का पता होता है रसगुल्ले पसंद है, उसके लिए रसगुल्ले ले जाते। अब देख लो जो तुमने चॉइस रखी हुई है प्रकृति और परमात्मा, चुन के वही भेजते हैं तुम्हारे पास। अब देख लो तुम क्या चुनते हो, खुशी चुन लो, खुशी आने लग जाएगी। कई बार बोलते भी हो, कई लोगों को तो खुशियों पे खुशियां मिलती हैं, हमें दुख पे दुख ही मिल रहा है, तुमने चूज किया हुआ है, तो भगवान को लग रहा है तुम्हारी सिलेक्शन है, भी गिफ्ट देना है तो वही चीज दें जो इसको पसंद है। ऑकवर्ड चीज नहीं देते ना, और चीज देके क्या करेंगे, अपमान करने वाली बात हो गई नहीं। अब किसी गंजे आदमी को तुम कंघी दे आओ, किसी विधवा को सिंदूर की डिब्बी दे आओ, ऑकवर्ड चीजें नहीं हो गई है ना। तो अब एक दुखियारे आदमी को भगवान खुशी भेजे, उसको पता है इसने इसको भी मिट्टी में मिला लेना है, तो मेहनत करेगा तो छोड़ो परे, इसको दुखी भेजो, चॉइस है इसकी, दुखी रहना इसने स्वभाव बनाया है, रोना इसने स्वभाव बनाया है, इसने पक्का किया हुआ है जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं रोता ही रहूंगा, फिर वही चीजें दो इसको। और अगर समझ आता है कि किसी ने आनंद अपना जीवन बनाया है, अब ज्ञानियों को महापुरुषों को देखो जाके, उन्होंने आनंद चुन लिया, अब दादाजी ने चुन लिया, नाराज ना होने का कसम उठा लिया, फिर कोई कारण ही नहीं बना उनके नाराज होने का, चक्कर ही खत्म। जब अगले ने कसम खाई हुई है, भीष्म पितामह ने कसम खा ली, भीष्म प्रतिज्ञा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, रिश्ता ही नहीं आया, फिर आया ही नहीं ना रिश्ता। विश्वामित्र ने कसम नहीं खाई, बस छोड़ के गया, तो उसके पास मेनका आ गई, ये मेनका भीष्म के पास भी तो आ सकती थी, क्यों नहीं आई। इंद्र के पास अप्सराएं खत्म हो गई थी। मतलब जो कोई जो कुछ चूज कर रहा है परमात्मा प्रकृति, उसको वही वही देते जा रहे हैं। हम लोगों ने चूज कर लिया भाई, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, जन्म तुम्हारे लेखे, तन से हो हरि भक्ति का काम, हर पल निष्काम हो, तो भगवान ना दिन छोड़ता है ना रात छोड़ता है, उठो चलो, थके हो तो भी चलो, लेटने का मन है तो भी चलो, भूखे हो तो भी चलो, प्यासे हो तो भी चलो, चॉइस हमारी थी, ये हमारी चॉइस है, हमने अपना सुख मांगा नहीं, हमें मिला नहीं,
हमने सबके सुख में अपना सुख माना, भगवान कार्य भेजता जा रहा है, भेजता जा रहा है, यहां भी तुम्हारी जरूरत है, यहां भी तुम्हारी जरूरत है, बहुत जगह पहुंच के भी बहुत जगह फिर नहीं पहुंच पाते, तो किसने चुना? ही हमने खुद चुना, खुद चुना, इसलिए दुखी नहीं होते, कहां कहां जाए, तंग आ गए हैं, कभी नहीं लगता, हंसी आती है, हमने ही कहा था भगवान, जहां जब तक शरीर रहे दौड़ता रहे, दौड़ता रहे आपके कार्य में, दौड़ाते जा रहे हैं, रोज नया मैसेज आ जाता है, ये बुला रहा है, ये बुला रहा है, ये बुला रहा है, इस एरिया में सत्संग रखना है, उसके पास जाना है, तो इसका मतलब जो कुछ कोई चूज कर रहा है परमात्मा उसको वो देता जा रहा है। अब तुम देख लो, माता ने लाल चुन्नी चुन ली, लाल साड़ी चुन ली, ब्लू ग्रीन कितने शेड आ गए, पेस्टल कलर्स आ गए, उस तक कोई नहीं गया, तुमने रेड चुना, रेड पहनो अपना, बैठो आराम से लाल पहन के। शिव जी ने बागंबर चुन लिया, बाघ का, वही है, दूसरी चीज लेके जाओ, बेर खाते हैं, बेर मिलते हैं, देखो हनुमान जी बूंदी खाते हैं, वही मिलती है, जिसने जो संकल्प कर लिया उसको वो मिल रहा है। अब तुम्हें जो मिल रहा है तुम दुखी हो ना, तुम्हारी अपनी नियत है दुखी होने की, करेक्ट योर सेल्फ। अब भगवान को और प्रकृति को बताओ नहीं मैंने खुश रहने का संकल्प लिया है, तो फिर तुम्हारे पास चीजें बदल के आएंगी। ये काली शर्ट तुमने ही चुनी है, व्हाइट भी थी, मार्केट में और कलर्स भी थे, तुमने चुना, मैं तो काले कपड़े पहनूंगा, पहनो, सारे ही काले गिफ्ट दे जाते हैं, फिर एक बर्थडे मना के देखो, अगर तुम ब्लैक ड्रेस ही पहनते हो और एक बर्थडे मना के देखो, काले कपड़ों का इतना ढेर लग जाएगा, तुम दुखी हो जाओगे। तुमने चूज किया नहीं किया सोच के बताओ, चॉइस तुम्हारी थी ना, दुख तुम्हारी चॉइस है, परेशानी तुम्हारी चॉइस है, उलझते हो, दुखी हो, इतना आत्म ज्ञान मिल रहा है, आत्म आनंद मिल रहा है, मन के साथ चले जा रहे हैं, क्या ज्ञान और परिस्थिति में कोई है तालमेल? है, शरीर की परिस्थिति अपनी है, ज्ञान अपनी जगह है, बात ही खत्म है। अपने ज्ञान के निश्चय में रहो, ज्ञान की जागृति में रहो, सारा झगड़ा ही खत्म है, शोर जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन जहां जहां पर भी शोर है वहां इंसान की अपनी गलती है, अपने आप को ठीक करो, अपने आप को बनाओ, अपने मन को मोड़ो, इसी में कल्याण है, दूसरी किसी बात में कल्याण नहीं है, अपने मन को मोड़ने में कल्याण है, अपने मन को बनाने में कल्याण है, ये तो चलता ही रहेगा ऐसे सब। तुम खुश होना सीखो, मस्त होना सीखो, आनंदित होना सीखो, उमंगों में जीना सीखो, तुम अपनी लाइफ को कभी नहीं एंजॉय करोगे। ये अपनी गृहस्थी नहीं बनाई और लगे हो दूसरों की गृहस्थियां सेट करने, भाई की गृहस्थी सेट हो जाए, उसके बच्चे सेट हो जाएं, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, माँ का ये हो जाए, फलाने का ये हो जाए, तुम अपने लिए कभी नहीं जियोगे। अपने लिए क्या तुम्हारे पास एक दिन भी है? इतनी बड़ी जिंदगी में क्या तुमने अपने लिए कोई दिन चुना कि ये दिन मेरा है, मेरे अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी मस्ती के लिए, अपनी मौज के लिए, ये दिन मेरे लिए अपने लिए, क्या तुमने कुछ चूज किया? क्या चुना तुमने कुछ अपने लिए? चुना चुना ही नहीं, सबके लिए बहुत कुछ चुना, इवन अपने जीवन के कुछ हिस्से भी दूसरों के लिए चुने, अपने आप को भूल ही गए हो। क्या अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना तुम्हारा फर्ज नहीं है? क्या अपने आप को रिवॉर्ड करना तुम्हारा फर्ज नहीं है? अपने आप को खुश रखना तुम्हारा फर्ज नहीं है?
अपने लिए भी कुछ समय निकालना, कुछ जीना अपने लिए, क्या ये तुम्हारी जरूरत नहीं है? विचार करके देखो थोड़ा सा, पता चलेगा कि हम अंदर से अपने आप को ही भूल गए हैं। इतना फर्ज, ड्यूटीज, इतने बोझ लाद लिए हैं कि अपने आप को भूल गए हैं, याद ही नहीं। मैं कुछ हूं, याद नहीं। मेरी भी कोई बात है, याद ही नहीं। मेरा भी कोई अस्तित्व है, याद ही नहीं। मैं भी परमात्मा की सृष्टि में आनंद मानने आया हूं, याद ही नहीं। गधा बन के बोझ उठाए जा रहे हो, उठाए जा रहे हो, सबके बोझ ढोते जा रहे हो। तुम्हें याद है? गुरु ने तेरा स्वरूप भी लिखाया है, याद है? याद ही नहीं। और भगवान ने नहीं असाइन की ये ड्यूटीज, तुमने लाद ली है अपने ऊपर। शायद ये भी मेरा फर्ज है, शायद ये भी मेरा फर्ज है। बेपरवाह होके भी तो इंसान चल सकता है, बेपरवाह होके भी तो जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, अभिनय किए जाते हैं संसार के। जरूरी है क्या अंदर इतने बोझ लेके ही चलना है? जरूरी है क्या अंदर अपने आप को इतना उलझा के ही चलना है? रिलैक्स भी तो हो सकते हो, चल ही रहा है सब कुछ, चलता रहे। कभी वक्त निकालो अपने लिए। पहले तो बोलते थे कुछ तो समय निकाल लो राम के लिए, हम कहते हैं राम के लिए नहीं, अपने लिए समय निकालो। राम तो अपने लिए समय निकाले बैठे, उन्होंने जब लीला भी धारण की 14 साल अपने लिए निकाल लिए, संतों का संग किया, सिमरन किया, अपनी मौज में जी आए। राम जी के लिए तुम ना समय निकालो, अपने लिए निकालो। अपने लिए ही समय नहीं है तुम्हारे पास, ऐसे दुखी परेशान हलचल में पता नहीं क्यों रहते। भी बदली करो अपने विचारों को, बदली करो अपने ख्यालों को, मोड़ो अपने मन को। खींचातानी करने से किस्मत नहीं बदलती, वो ऐसे ही चलेगा जो चल रहा है। तुम आनंद लो, तुम्हें 2 रोटी भगवान दे रहा है, खाओ, मौज करो। अभी आज गीता भगवान ने प्रश्न पूछा कि ये बाप जो है बेटे के लिए इकट्ठा क्यों करता है, आज हमको इस बात का जवाब दियो, था वाणी में आज। तो वही बात है ना, तुम सबके लिए इतना क्यों सोचते हो, जवाब दो भगवान को। क्यों इतना ख्याल करते हो, क्यों इतने विचार करते हो, क्यों इतनी उलझन में आते हो, क्यों इतनी हलचल में आते हो? इसीलिए ज्ञान असर नहीं कर रहा। थोड़ा रिलैक्स होके सुनते हो, फिर अंदर वाले को लगता है कहीं मैं आज पहली बार तो नहीं सुन रहा बात, ये ऐसे लग रहा है ज्ञान मैं अब सुन रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है, पर वो शोरगुल में ज्ञान टिकता ही नहीं, निकल जाता है। चिंतन ही नहीं चलता, मनन ही नहीं चलता, और फिर संसार की पुनः पुनः स्मृति करो ना, स्मृति भंग का दोष भी आ जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है, बीमारियां लग जाती हैं। देखा है बुढ़ापे तक सबको भूलने की बीमारी हो जाती है। बार बार जगत का चिंतन किया, स्मृति दोष आ गया, फायदा नहीं होगा। अपलिफ्ट करो अपने को, गुरु की हेल्प लेके अपने को अपलिफ्ट करो। मान लो हम भी कभी कहते हैं 4 दिन यहां आके रह जाओ, तो मैंने ये थोड़ी कहा कि शोकाकुल ही बैठे रहो यहां पे। किसी के घर में डेथ हुई, भाई दरी बिछा के बैठे थे, मैंने कहा 4 दिन यहां आ जाओ, वो दरी साथ लेता है, तो ये तो बात नहीं है ना। दरी बिछा के यहां भी बैठ गया, आपने कहा था 4 दिन आ जाओ, मैंने वो दरी वहां से उठाई, आपके यहां बिछा ली, ये तो मैंने नहीं कहा था। मैंने तो खुश होने के लिए कहा था, 2-4 दिन आ जाओ, रह जाओ, प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ, भूल जाओ सारी बातों को, जिम्मेदारियों को भूल जाओ, दुखों को भूल जाओ, हालतों को भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ, बच्चे बन जाओ, बी लाइक ए चाइल्ड। मैंने तो इसलिए बुलाया था कि यहां आके एक बचपना जियो जो तुम आज तक नहीं जी पाए,
यहां आके अपने लिए जियो 4 दिन जो तुम आज तक नहीं जिए। मैंने तो ये कहा था, मैंने तो और कुछ कहा ही नहीं, और तुमने कहा नहीं वो भी बदल के रख दी। बोलो हम वही टिप्पणियां उठा के ले आए हैं, यहां बिछा लेते हैं, ऐसी क्या बात है। अब दरी यहां बैठी बिछा ली है, कोई नहीं यहां लोग अफसोस करने नहीं आते, हम बुला बुला के अफसोस करा लेते हैं। मैं बहुत दुखी, मैं बहुत परेशान, मैं बहुत निराश, मैं बहुत मायूस, मैं जिंदगी से हारा हुआ। गुरुवान होके तू हारा हुआ, प्रज्ञावान होके तू हारा हुआ, बोध स्वरूप होके तू हारा हुआ, आत्म ज्ञान की समझ मिलने के बाद तू हारा हुआ, ये कैसी बात कर रहा है। कुछ चीजों को समय पे छोड़ देना चाहिए। दही जमाई है कभी? दही जमाई है? दही जमाई हो तो तुमको पता होगा उसमें जामन डाल के छोड़ दिया जाता है। क्यों? समय 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 पे जम जाएगी, छेड़ने जाओगे बार बार नहीं जमेगी। समय पे छोड़ते हैं ना, कुछ चीजों को समय पर छोड़ना ही पड़ता है। मैला कपड़ा होता है उसको रात को भिगो के सर्फ में छोड़ देते हैं, सारी रात उठ उठ के देखते नहीं रहते, दाग उतरा दाग उतरा दाग उतरा, छोड़ते हो ना समय पर। ये बाहरी परिस्थितियों को भी समय पर छोड़ना पड़ता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, आप ये बता दीजिए वो बता दीजिए। भाई मैंने खुद ही समय पर छोड़ दिया, मैं क्या बता दूं। हम ऐसे हो पाएंगे, हम वैसे हो पाएंगे, पहले जैसे हो पाएंगे, बाद जैसे हो पाएंगे, मैंने समय पे छोड़ दिया। तुम भी समय पे छोड़ दो, क्योंकि जो समय अभी है तुमको भी नहीं पता था ये समय आएगा, हमको भी नहीं पता था, एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था, पर आ गया ना, फिर ठीक है। जब पलटा खाना होगा समय को तब खा भी लेगा। कुछ चीजों के उत्तर है ही नहीं, और ढूंढने के चक्कर में उत्तर समय खराब हो रहा। मत ढूंढने जाओ बेकार के आंसर्स, लेट इट गो करो और चलो आगे, देख लेंगे। अभी 4 दिन तो खुशी करो, तुमसे यहां कोई पैसा नहीं मांग रहा, तुमसे कोई काम नहीं करा रहे, तुम्हें कोई सत्संग करने नहीं भेज रहे, कुछ भी नहीं कहा जा रहा, सिर्फ तुम्हें कहा जा रहा है 4 दिन हंसो बोलो खुश होके जियो, चुलबुले बच्चे बन जाओ। अब तुम देखो कितना दूर जा चुके हो बचपने से, वापस ही नहीं आ रहा। बोझ ढोने की आदत हो गई, दुखी रहने की आदत हो गई, मन कहता है ऐसे कैसे, और हंसोगे भी तो मन कहने आ जाएगा, ओ तू हंस रही है, 4 दिन पहले तेरा पति गया तू हंस रही है, तेरे साथ इतनी हालत है तू हंस रही है, ये मन आता है कहने, मन आता है ना, हंसने का दिल करता है, नाचने का दिल करता है, मन कहने आ जाता है, ना ना ऐसा नहीं करना, लोग क्या कहेंगे, या फिर एक आदत हो गई है, प्लास्टर हो जाए ना बांह में, वो ऐसे ही ऐसे रखे रखो, जब प्लास्टर भी खुल जाता है आराम ही ऐसे मिलता है, सीधी करने को दिल ही नहीं करता। वो होठों को तुमने शायद प्लास्टर कर दिया जहां पे, अब वो खुलते ही नहीं, अब वो वहीं के वहीं रह गए, जबड़ा उतना ही फिक्स हो गया, मुसीबत हो गई। उबारो अपने को इन मुसीबतों से, आनंद का जीवन जियो, महाआनंद। मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, हर जी तेरे नाल है गुरु मति रंग मान। आई बात समझ में? चलो जूम वाले इंतजार कर रहे हैं, परी जयपुर, परी अनम्यूट करो बेटे। हरिओम भैया जी। हरिओम, कैसे हो? तू बता तू कैसी? हम सारे तो बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज्यादा अच्छी। क्यों अच्छी है? क्योंकि अच्छा लग रहा है अंदर से, बहुत अच्छा है, आनंद साथ है, ये जो समझ है ये साथ है,
औरों से अलग भगवान का बच्चा, इसीलिए अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है यहाँ पे ना, सबसे अलग अपने आप को देख के, मतलब अपने ही रूममेट से अपने आप को देखते हो ना, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अलग हूँ। और मम्मा के आगे यही थैंक्स बोलती हूँ कि सब भैया की वजह से हूँ। कल परसों यही बात कर रहे थे कि मम्मा, मतलब जैसे मैं बोल रही थी कि ऐसा परी मतलब रूममेट कर देती है, ऐसा होता है, फिर यही लग रहा था कि ना मतलब क्यों डिफरेंस है इतना, कि मतलब सब ज्ञान है जो आपने हमें होता थोड़ा बहुत समझाया है ना, बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से रह रहे हैं। सही बात है। एक बात इतनी अच्छी लग रही थी कि जैसा हम संकल्प करते हैं ना, नेचर और गॉड हमें वो ही देते हैं। जैसे हाँ दुख की बात आपने कही ना कि कितना परेशान रहते हैं, तो नेचर और गॉड वो ही सोचेगा कि ये इंसान तो वर्थ इट ही नहीं, अगर मैं इसे सुख भी दूंगा तो इसको लेना, जब नेगेटिव ही है वो चीज, तो वो ही देते हैं हमें। तो यही चीज इतनी अच्छी और इतनी फील हुई ना कि कितनी बात ये सच है कि वो ही गॉड और नेचर फिर वो ही हमें देते हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात कैच करी है। इसीलिए अब संकल्प कर लेना, मुझे अपने आप को कभी दुखी करना ही नहीं है, किसी भी हालत में अपने आप को परेशान नहीं करना है, मुझे हमेशा सुख चुनना है, पॉजिटिविटी चुननी है और आनंद में रहना है। तेरा आनंद तेरे पास है, तेरी खुशी तेरे ही पास है, कभी अपने आप को हालतों का मोहताज नहीं करना है, और कभी किसी को देख के उसके जैसा बनने की कोशिश भी नहीं करनी। ऐसे लगता है ना कभी कभी, दूसरे बच्चों से कंपैरिजन आता है, कंपटीशन आता है, उलझता है मन, लेकिन इतना निश्चय रखो, मेरे को दूसरों जैसा नहीं बनना है, मैं जैसा अपना भगवान का बच्चा हूँ मेरे को वैसा का वैसा रहना है, मेरे को अपने अंदर कोई ऐसा परिवर्तन नहीं लाना दूसरों को देख के। एज ऐसी है ना, मन देख के कंपटीशन करने की कोशिश करता है, कभी कभी लगता है ठीक है जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, फिर हम भी ऐसा करते हैं, कभी दूसरों को देख के शौक आ जाता है, हमारी भी तो एज है, ये लोग ऐसा एंजॉय कर रहे हैं हम भी तो करें, कई बार ऐसी चीजें आती हैं सामने, लेकिन इन चीजों को हमेशा अवॉइड करके चलना, कभी इन चीजों को पकड़ना नहीं। तुम भगवान के बच्चे दुनिया से न्यारे हो, हमेशा याद रखो मेरे सिर पर भगवान का हाथ है, मैं उनके नाम से जाना जाता हूँ, मैं उनका प्रेमी भक्त हूँ, मेरे को उनके नाम को भी नहीं लजाना है, इसीलिए मुझे किसी जैसा नहीं होना, मैं बस अपने भगवान के जैसा बनूंगा। अंदर हमेशा ऐसा निश्चय रखो पक्का, और अंदर से हमेशा खुश रहो, इस बात पे खुश रहो, रिग्रेट्स ना हो कि संसारिक लोग ऐसे चलते हैं हम ऐसे चलें, नहीं, हमें खुशी है हम राइट पाथ पर हैं, हमें खुशी है हम अपने भगवान के वचन पर हैं, हमें खुशी है जैसा हमारा भगवान हमें चलाता है हम वैसा चलते हैं। हमेशा इस चीज के लिए अपने अंदर खुशी रखना, हमेशा अपने अंदर ऐसा निश्चय रखना, कभी दूसरी बात की तरफ जाने की कोशिश मत करना। पूछा ना हरि का भक्त कैसा होए, तो बोला हरि का भक्त हरि के जैसा होए, थोड़ा भी कम नहीं होना चाहिए, हरि का भक्त हरी जैसा होना चाहिए, जैसा उसका भगवान है भगत को भी वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। बस एक चीज की डाउट है कि ना, जैसे अगर मैं किसी के साथ अपना मतलब स्टडीज को लेके कंपटीशन रख रही हूँ, तो वो गलत चीज है कि मतलब ऐसे कंपटीशन, मतलब कि क्लास में जैसे एक लड़की है तनिष्का, वो थोड़े अच्छे मार्क्स लाती है, तो मेरे ना मुंह से ना थोड़ा हर बार निकल जाता है तनिष्का के, मतलब कि मेरे से तो इतने नंबर थोड़े से ज्यादा आए थे, तो वो चीज गलत है। ऐसा कंपटीशन गलत है, पर उसको देख के अपनी मेहनत बढ़ाओ, मोटिवेट हो जाओ, वो गलत नहीं है, ठीक अपनी मोटिवेशन बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रीस करना बुरा नहीं होता, हुस करना बुरा होता है, रीस करके तो इंसान उन्नत होता है, किसी को चढ़ता देख के खुद चढ़ने की कोशिश करे कोई बुराई नहीं है, पर
पर उसकी टहनी काटने की कोशिश करे, बुराई करने की कोशिश करे, वो गलत है। ठीक है, यही चीज थी। ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू, हरिओम। हरिओम भैया जी, थैंक यू। नंदिनी, नंदिनी भगवान अनम्यूट करो। हरिओम भैया। हरिओम, बहुत दिन से बात नहीं हुई, मैंने कहा नंदिनी से बात करते हैं। मैं भी सेम बात सोच रही थी आज, बहुत दिन से बात नहीं हो पा रही। थैंक यू सो मच। हाँ करो, बहुत दिन की बात आज इकट्ठी कर लो। कहाँ, घर पे है कॉलेज में? हाँ जी, आज घर में थी, वो थोड़ी सी पैर में चोट लग गई। क्यों, वो फुटबॉल खेल रही थी? क्या? फुटबॉल खेल रही थी, पैर में चोट लग गई? नहीं, वो थोड़ी पानी की बॉटल काफी भरी हुई थी, वो पैर पे गिर गई अंधेरे में, तो ओ इसलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है। बस वो फिर आज इसलिए नहीं गई कि वहां की छुट्टी ना हो जाए कहीं, तो इसलिए एक दिन आराम कर लेती हूँ। सही बात है। हाँ आज वो वाली बात बहुत अच्छी लग रही थी ना, कि मतलब हमारे पास पहले का अनुभव भी होता है कि भगवान सब संभाल रहा है, पर फिर भी हम आगे खेचल करते हैं, तो ये हमारी गलती है। तो मतलब वो अपने पार्ट पे समझ आई, जो अभी मेरे साथ मतलब वो पीछे बात चल रही थी कि सब पता भी है, भगवान संभाल लेता है, पर फिर भी हम लोग ऐसे टेंशन ले, तो फिर हमारी कितनी बड़ी गलती है। और ये बात नोटिस भी करी है, मतलब कि जब ऐसे फिर फ्री हो जाओ तो फिर वो सब कुछ ऑटोमेटिकली होता हुआ दिखता भी है। और जैसे अभी वो चॉइस वाली बात भी चली, तो कि अगर मतलब एक बार को छोड़ दें तो फिर वो भगवान सब कुछ वैसे करता, और अगर हम टेंशन से कि मेरे पास ही इतना सब कुछ वो है, मैं ही इतना, मतलब वो जो आप बात कह रहे थे कि वो हर वक्त रोता ही आया हूँ और रोता ही रहूंगा, तो वो वाली फीलिंग जब अगर रहते तो फिर भगवान भी और भेजता ही है, और फिर मतलब वो हमारी नजर ऐसी बन जाती है तो हमें दिखता ही है फिर सब कुछ वैसा। तो वो बात बहुत अच्छी लगती है। हम भगवान को चक्कर में मत डालो ना, तुम्हारे लिए खास काली शर्ट ढूंढने जाए, हाँ जो रखा हो वही दे दे प्यार से, कि ले तू भी एंजॉय कर। वैसे भी देखो, अगर हम लोग किसी के लिए इतना करें और फिर हमको नेगेटिव मिले तो कितना बुरा लगता है। परमात्मा को क्या लगता होगा, इतना इन लोगों को खुश करने की कोशिश की। सबसे बड़ी बात खाना पीना घर गृहस्थ, चलो वो अलग हो गया, इतना प्यारा सत्संग, इतना अच्छा गुरु, क्या कृपा की है भगवान ने। उसके बाद भी हम लोग परेशान रहें, दुखी रहें, टेंशन में रहें, उलझते रहें, तो परमात्मा को क्या लगता होगा कि भाई ये कैसे लोग हैं, खुशी नहीं होते कभी, रिलैक्स ही नहीं होते कभी, आनंद में ही नहीं आते, मैं अब और क्या करूं इनके लिए। ये भी तो हमको सोचना चाहिए ना, हम थोड़ा सा किसी के लिए करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खुश होके दिखाए, खुश हो जाए अंदर से, चाहते हैं नहीं चाहते हैं। एक गिफ्ट ले जाते हो, लगता है हमारे सामने ही खोले। आजकल फैशन हो गया बर्थडेज में कि जो गिफ्ट आते हैं गेस्ट के सामने ही खोल देते हैं और खुश होके दिखाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो लाने वाले का दिल बड़ा हो जाता है कि चलो मेरी चीज इनको इतनी पसंद आ गई। तो परमात्मा ने इतना दिया, इतनी सुंदर जीवन दी है, क्या कमी है हमारे पास। तो हम परमात्मा को धन्यवाद करें, हैप्पी रहें, शिकायतें ना करें, इच्छाएं ना करें, बिना मांगे ही भगवान बहुत दे रहा है और बहुत कृपा कर रहा है। फिर सोचना क्या, ख्याल क्या करना, फिर परेशान क्यों होना। फिर सरेंडर अन टू गॉड। क्यों, चलो ठीक है, और कोई बात नहीं, बस और तो बहुत अच्छा लगता है। यशी गई हुई है कॉलेज? नहीं, वो दूसरे फोन से ज्वाइन करा हुआ है। अच्छा, सारे अपना अपना सुनते हो, हाँ बढ़िया। ठीक है बेटे, जी, ओके, हरिओम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। वो आ गई शायद।
हरिओम जी। आ गई शायद, नहीं वही है, कोई और भी तेरे घर में यशी है क्या? खैरी आ गई शायद, यशी तो शायद हो गई है नंदनी के लिए। नहीं वो इसको पता नहीं था ना कि मैं आऊंगी, इस वजह से कह रही थी। हाँ कैसी है बढ़िया, आप बताइए। आज? दोनों घर में बैठी हो क्या? हाँ जी, सेवा कर रही होगी बहन की ना, बिठा के रोटी खिला रही है ना जी, ना? हाँ खुद कर लेती है सब। इंडिपेंडेंट बना दिया गुरु ने सबको, है इतने दुख में भी सेवा नहीं लेना चाहते एक दूसरे से। चलो अच्छी बात है, और तुम सुनाओ। अभी ना वो वाली बात बहुत ही ज्यादा अच्छी थी जो हम चूज करते हैं, जो आपने बताया ना कि आज सबको यही बात अच्छी लगी है। बहुत ज्यादा अच्छी थी वो। मतलब अपने पार्ट पे ना बहुत ही ज्यादा ये बात समझ आई कि एक तो पहले ठीक है हम जैसे भी थे, लेकिन फिर यहाँ पे आके भी हम ना अपने वो जो मैंने पीछे आपसे बात भी करी थी कि डर और पाल लिए, और फिर उसके बाद और ज्यादा ही वो कि जैसे जो आप पहले एक बार बता नहीं रहे थे कि कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ के भी हम और दुखी ही हुए हैं, तो ना हाँ मुझे बात लग रही थी कि फिर फायदा क्या हुआ हमारा, और वहां तो कुछ तो है ना कम से कम। तो ये वाली बात ना आज बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। आज तेरी हंसी तभी अच्छी लग रही है, हाँ सारे दांत बाहर हैं आज। अच्छी बात है, जो हम आए हैं गुरु के पास अपने आप को बदलने ही आए हैं। ये संसार के स्वभाव थे, हलचल थी, परेशानियां थी, और दुनिया में ना सब कुछ चलता ही रहेगा जैसा भी है। अपने आप को हर परिस्थिति में रिलैक्स रखने की आदत डालो, ये अपने से मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ तो दृष्टिकोण गलत हैं, कुछ अंदर सोच ऐसी बना ली है, और बाकी जो रही सही कसर है ना, वो ज्ञान से भी और खराब कर लेते हो अपने को। अब यहां भी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो पा रहा, वैसा नहीं हो पा रहा, यहां भी अपने आप को उलझा के रख देते हो, बिना मतलब के परेशान हो जाते हो। जब भगवान मेरे साथ है तो मुझे उलझने की क्या जरूरत है? मन में भी कोई बात आ गई, अच्छा आ गई, उसको हटा दो, उसको पकड़ लिया। दादाजी बोलते थे, सांप आके गिरा गोदी में, क्या करोगे? कहां से आया, इसकी बिल कहां पर है? जब तक इतना सोचोगे काट लेगा, उठा के फेंको उसको। मन के ख्यालों को भी बहुत अधिक तूल देने की जरूरत नहीं होती है, उठा के फेंको, अलग करो उसको भी। देखा ना तुमने मन में ख्याल आया, अच्छा उसको हटा दो, फिर अपने ज्ञान में लौट आओ, गुरु में लौट आओ। कहीं से भी मन को हटा के वापस अगर भगवत चिंतन में नहीं आओगे तो मन आपके ऊपर हावी रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो इसके लिए ये ध्यान रखना ही होता है हमको कि कोई भी बात मन की है उसको सॉल्व करके वापस भगवत चिंतन में आ जाएं, आत्म चिंतन में आ जाएं, वापस अपने आनंद में लौट आएं। फिर ये भी एक प्रैक्टिस है, और बहुत जबरदस्त अच्छी प्रैक्टिस है, ये आपको फायदा देती है, क्योंकि उस ख्याल की छाप भी नहीं बचती फिर। नहीं तो हम घोट घोट के इन्हीं चीजों को ही पकड़ते रहते हैं, कोई फायदा नहीं होता इनका। पता है तुम्हें मन है, मन का स्वभाव है, ये भी तुम्हें पता है कि तुम चल रहे हो, जिज्ञासु हो, तो चीजें तो आएंगी सामने। यहां तक कि जो अंदर पड़ा हुआ कचरा है, गुरु का ज्ञान सुनने के बाद वो भी बाहर आएगा। सतगुरु वाणी और अंदर में गूंजती, कहां पे छिपी है माया, ऐसे ऐसे पूछती, कचरा तो सारा बाहर निकलना ही, निकलेगा तो निकलने दो। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपने गुरु से कनेक्ट रहो, ज्ञान से कनेक्ट रहो, आनंद से कनेक्ट रहो, तुम्हारा लाभ उसमें। ठीक है, हाँ जी, चलो ओके, हरिओम, गॉड ब्लेस यू। हरिओम।
थैंक यू, थैंक यू सो मच। सुषमा जी सुभाष नगर। हरि ओम भैया जी। हरि ओम, कैसे हो? ठीक हूँ। आज तो मास्क मास्क उतरा हुआ है? थोड़ी देर उतार देती हूँ। अच्छा हाँ, थोड़ा सा 19-20 फर्क भी है। चलो, 19-20 पड़ गया ना, चल नहीं सकती पर 19-20 तो फर्क पड़ा, 25-30 हो जाएगा अगली बार तक। हाँ जी, हाँ जी, है ना, होप फॉर द बेस्ट। आपका प्यार इतना मिल रहा है सत्संग में, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सुनती रहती हूँ। फिर जिस दिन आप कल नहीं थे, बस हाथ ही चलते रहते हैं, वे कब आएगा सत्संग। कल बाहर था सत्संग, फिर दोपहर हो गया था। हाँ जी, और आप ठीक हो? हाँ हम बढ़िया। हाँ जी, आ रही हूँ एक दो दिन में, एक दो दिन में आने का। यही पूछ रहा था कब आ रहे हो। आ जाओ मिल जाओ आके, अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज भी हो मेरे जाएगा। को भी है। हाँ हाँ मेरे को बहुत दिल है आने का। आ जाओ आ जाओ, कभी भी आ जाओ, मोस्ट वेलकम, कभी भी आ जाओ। हाँ, आप इतना सत्संग में प्यार दे रहे हो ना, सबको दे रहे हो, इतना लाते कहाँ से हो ये नहीं पता। लो, दरबार भगवान का बना हुआ है, अभी आपको पूछने की जरूरत है कहाँ से आता है। बहुत प्यार, बहुत सतगुरु से प्यार। मंगाई जाती है, अर्शों से मंगाई जाती है, बिन तौल पिलाई जाती है। बिल्कुल सही बात, बहुत सही बात। बैठे हैं ना हमारे भगवान बहाने वाले नदियां। सही बात है। हाँ, सबको उनका प्रसाद भगवान की कृपा से मिल ही रहा है। सब जहां भी कोई बैठा है वहीं अपना तृप्त होए, खुश होए, भरपूर होए, बड़ी कृपा है भगवान की सबके ऊपर। जी जिस दिन सत्संग नहीं आता, मन परेशान हो जाता है, कैसे आएगा, यही लगा रहता है। कोई बात नहीं, उतनी देर पिछला सुना करो, तब तक आ जाएगा। ऐसा तो छुट्टी तो होती नहीं है किसी भी दिन, बस हाँ जी, इतना हाँ होता है कि कहीं लेट होता है सत्संग, कभी नेट की फैसिलिटी हाँ नहीं हो पाती तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। आपका वहां पे गुड़गावा में था ना, 9 सेक्टर में, अभी हाँ सोनिया कह रही थी मैं ले चलती हूँ, फिर मन का पता नहीं किसी के घर है कि कितनी देर लगती है, कितनी देर बैठा जाएगा, नहीं बैठा आप जाएगा। यही आनंद सागर का ही बनाओ, इधर ही आ जाओ आराम से, बाहर कहीं गर्मी भी होती है, खेचल भी होती है, मत चक्कर में पड़ो, आप इधर ही आ जाना। हाँ जी आऊंगी, बहुत दिल है आने का। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, जरूर आ जाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। ब्रिज बाला जी कनाडा। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। हरिओम जी, थैंक यू वेरी मच, तपस्या सफल हो गई आज। अच्छा, जो गुरु की शरण में आ गया, तपस्या सबकी सफल ही है। सफल ही सफल है, अब रात के 2:15 हो रहे हैं भैया। कितने? 2:15 हो रहे हैं, रात के 2:15। आप रात को जाग के सुनती हैं? आज बहुत संकल्प था बात हो जाए भगवान जी से। भाई इस उम्र में बहुत बड़ी तपस्या है, धन्य हो आप लोग, मेहनत कर रहे हो सत्संग के लिए। सच में पता भी है कि उस पे नेट पे तो रहता ही है, सुबह भी सुन सकते हैं, लेकिन ऐसे जाग के सामने सुनना बहुत बड़ी तपस्या है। सच में बहुत ही अच्छी बात है, ऐसी लगन, ऐसा प्रेम, ऐसी श्रद्धा, और शायद इसीलिए भगवान ताकत भी दे रहा है, नहीं तो बुजुर्ग लोग तो शरीर से हार जाते हैं, लेकिन आपकी लगन और प्यार देख के भगवान आपको इतनी ताकत भी दे रहा है कि आप आराम से बैठ के सुन रही हैं, और हमें नहीं लग रहा था कि आप रात के 2:15 बैठ के सुन रही हैं, बहुत बड़ी बात है। लाइव सुनने का तो अलग ही आनंद है। वैसे तो सुबह सुनती हूँ नेक्स्ट डे का, पर आज संकल्प था भगवान जी से बात भी हो जाए, इतने खजाने लुटा रहे हो आप।
आप ही शक्ति दे रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हमें भी आज ये बहुत अच्छा लगा जो मन के संकल्प का बताया ना आपने, जो संकल्प करते हैं वही भगवान देते हैं। तो हाँ सही बात है। इसी विश्वास की आज जीत भी हुई है, आज हमारे मन में भी यही संकल्प था भगवान जी से बात करें तो आ गए आप। अच्छा हाँ देख लो, हाँ भगवान ने ये भी दे दिया ना, आपने संकल्प किया, भगवान ये दे दिया, ये प्रूफ तो प्रूव हो गया हो गया। आज। सही बात है, वैसे बिल्कुल भी हर वचन इतना सत्य लगता है, बहुत सत्य लगता है और अंदर से हल्का बन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान बहुत कृपा आपकी। आपकी अपनी कृपा भी बहुत है। सत्संग का इतना अच्छा बहुत मनन, इतना अच्छा अभ्यास, इतनी मेहनत अपने साथ, बहुत मेरे को तो आपके मैसेजेस पढ़ के मजा आ जाता है। रोज के सत्संग से इतना अच्छा आपने बात कैच की होती है, फिर आपके अपने एक्सपीरियंस इतने अच्छे, सच में दूरी और नजदीकी मायना नहीं रखती। अगर कोई गुरु को कैच कर ले तो जीवन में रोज एक सीढ़ी ऊंचा उठता जाता है, उठता जाता है, और वो आपको देख के, आपको पढ़ के महसूस होता है कि कितना आपने गुरु को कैच कर लिया है। वहीं बैठे बैठे लोग कहते हैं बुढ़ापे में मत मारी जाती है, और आपकी तो मति सती हो गई है, शुद्ध हो गई है, बुद्धि निश्चयात्मक हो गई है कितनी। कल आप बता रहे थे ना कि सत्संग में सुन के ऐसे लगता है कि गुरु सबके साथ है, जैसे सबके प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, तो हमें भी ऐसे लगता था हम कहाँ दूर है, हमारे भी तो साथ ही है भैया। बिल्कुल साथ ठीक, ही तो है। बल्कि हाँ जितनी ज्यादा दूर है उतना ज्यादा नजदीक लग बिल्कुल ठीक, क्योंकि हर समय रहे हैं। चिंतन में है, हर समय बात को समझना चाह रहे हैं, एकाग्रता से सुन रहे हैं, और गुरु है वाणी, वाणी गुरु, तो वाणी रूप में, निश्चय रूप में गुरु हमेशा हमारे साथ हैं। बहुत बढ़िया, जब पूरा नहीं लिख पाते तो जो बाकी के वचन होते हैं वो बाकी के समय में आप हमारे साथ होते हो वाणी के रूप में। ठीक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है वृज बाला जी, बहुत हरिओम। बहुत शुक्राने भगवान, आपकी बहुत प्रसन्नता हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है बात करके। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओके, सो मच। हरिओम हरिओम हरिओम, भजन हरिओम जी। करो। आज कैसा प्रेम है ये कैसी करामात है, आज कैसा प्रेम है ये कैसी करामात है, सत्य गुरु साथ है जी, पूरा गुरु साथ है, सच्चा गुरु साथ है जी, पूरा गुरु साथ है, आज कैसा प्रेम है ये कैसी करामात है, आज कैसा प्रेम है ये कैसी करामात है, सत्य गुरु साथ है जी, पूरा गुरु साथ है, सत्य गुरु साथ है जी, पूरा गुरु साथ है, सत्य गुरु प्रेम ने कैसा ये कमाल किया, सत्य गुरु प्रेम ने कैसा ये कमाल किया, देह से
साथ है, त्रिपुरा गुरु साथ है, सच गुरु साथ है, त्रिपुरा गुरु साथ है, जिसमें है समता वही आत्मवान है, जिसमें है समता वही आत्मवान है, और सब निर्धन ज्ञानी धनवान है, और सब निर्धन ज्ञानी धनवान है, बड़ी गुरु साथ है, त्रिपुरा गुरु साथ है, आज कैसा प्रेम है ये कैसी करामात है, आज कैसा प्रेम है ये कैसी करामात है, सतगुरु साथ है, त्रिपुरा गुरु साथ है, सतगुरु साथ है, त्रिपुरा गुरु साथ है, सतगुरु वाणी कैसे पूछती, कहाँ पे छिपी है माया ऐसे ऐसे पूछती, रखना संभाल के ये गुरु की सौगात है, रखना संभाल के ये गुरु की सौगात है, सतगुरु साथ है, त्रिपुरा गुरु साथ है, सतगुरु साथ है, त्रिपुरा गुरु साथ है, आज कैसा प्रेम है ये कैसी करामात है, आज कैसा प्रेम है ये कैसी करामात है, सतगुरु साथ है, त्रिपुरा गुरु साथ है, सतगुरु साथ है, त्रिपुरा गुरु साथ है, सतगुरु साथ है, त्रिपुरा गुरु साथ है, सतगुरु साथ है, आज की मीटिंग को यहीं विराम देंगे। हरिओम, थैंक यू।